So we are starting capital gains today. Very important chapter from your CA inter examination point of view, because PGP and capital gain अक्सर लोग छोड़ के जाते हैं. मतलब काफी सारे लोगों को मैंने सुना है कि चलो एक काम करते हैं, PGP capital gain बहुत बड़ा है, बहुत tough है और TDS, ये तीन chapter लोग अक्सर मतलब उनको skip कर देते हैं, छोड़ देते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि question ही इनमें से आते हैं, ठीक है, क्योंकि पीजीपी भले डायरेक्टली क्वेश्चन आओ ना आओ, बट टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है 10-15 मार्क्स का मिनिमम वेटेज है उसका, वो लार्जली बेस्ड ऑन ऑन पीजीपी, राइट. इसके अलावा अलग से क्वेश्चन आए तो 4-8 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन आता है, 4 से लेकर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो पीजीपी का इटसेल्फ कम से कम मिनिमम मतलब 15 मार्क्स का वेटेज है, और मैक्सिमम तो 2022 बोल नहीं सकते कहने का मतलब. दूसरा बता, कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना आए कैपिटल गेन के ऊपर, अदरवाइज कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन 6-10 मार्क्स का उसका भी वेटेज रहता है, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे कि TDS का भी मैंने बताया कि वो भी छोड़ के जाते हैं, तो उसका भी 6-10 मार्क्स का मतलब मैक्सिमम केस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट कभी कभार इंस्टीट्यूट अगर वहाँ पे अपने पे उतर आए तो वो उससे ज़्यादा का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन TDS के ऊपर पूछ लेते हैं. और बेटा ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि लाइक पार्ट में पूछते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पूरा का पूरा जो ऑप्शन में छोड़ दो, क्योंकि उसमें ऐसा रहेगा एक पीजीपी का रहेगा, एक सैलरी का रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कहने का मतलब ये चीज़ें. तो अगर आप छोड़ रहे हो तो बेटा फिर ये और सोच लो कि आप कुछ और साथ में भी भले पढ़ के जा रहे हो लेकिन वो आपको छोड़ना पड़ेगा. एक चीज़ समझो बात को, कि अगर कैपिटल गेन का मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3A या जो भी मतलब पार्ट ए, 3 का पार्ट ए आया, ठीक है, 8 मार्क्स का आया या 6 मार्क्स का आया, व्हाटएवर, तो उसके साथ में जो क्वेश्चन रहेगा हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का हो सकता है सैलरी का हो सकता है डिडक्शन का हो, कोई ऐसे चैप्टर का हो जो आप प्रिपेयर करके, रेसिडेंशियल स्टेटस का हो, तो ऐसे चैप्टर का हो सकता है जो आप प्रिपेयर करके गए. तो अगर आपने कैपिटल गेन का छोड़ना है तो सिंपल सी बात, ऑप्शन में छोड़ना है तो आपको साथ में और छोड़ना पड़ेगा कुछ जो आपको आ रहा था. ऐसे ही अगर वहाँ पे पीजीपी आप छोड़ गए तो टोटल इनकम का क्वेश्चन उसके ऊपर आता है, कहने का मतलब, और वो कंपलसरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है. तो बेटा छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, करके जाना, ठीक है. हाँ ये है कि अगर आपके पास में टाइम कम है तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दो, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो जिनसे फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, और ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको आप करो. बाकी जो चैप्टर्स है करके जाओ, छोड़ के मत जाओ लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे उनको आप कम प्रायोरिटी दे सकते हो, वेटेज वहां पे कम दे सकते हो, राइट. तो कैपिटल गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और मान के चलिए कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है, और अब तो एमसीक्यूज हो गया बेटा. अगर डायरेक्टली आपको बड़ा क्वेश्चन आए तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडी के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है. तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इन चैप्टर्स को, ठीक है. ओके, तो हम लोगों ने लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, सैलरी किया आता ही आता है, पीजीपी किया उसमें से आता ही आता है, कहने का मतलब ये, ठीक है. आज कैपिटल गेन तो अपना जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है जो बेसिकली अच्छा खासा वेटेज रखता है उनको हम लोग, ठीक है, अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. इनफैक्ट इसके बाद में भी चैप्टर्स है कि भाई अदर सोर्सेज कभी आ जाता है कभी नहीं आता, इतना उनका वेटेज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये चीज़ है. TDS क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक इस चैप्टर के बाद में एक TDS वाला चैप्टर रहेगा वो बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर रहेंगे. ओके बेटा, चलो तो लेट्स स्टार्ट कैपिटल गेंस. कैपिटल गेंस के नोट्स आपके पास में है, ठीक है. तो कैपिटल गेन के नोट्स आपके पास में है, ये वाले नोट्स है, ठीक है. अब कैपिटल गेंस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप समझो कि इस चैप्टर को अपने को पढ़ना है कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है. हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में सेक्शन वाइज के भाई अलग अलग कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले ये समझो कि जो चार्जिंग सेक्शन है 45, चार्जिंग सेक्शन 45 है, जैसे पीजीपी में 28 था, 50 क्या बोलते हैं 6 था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 22 है, सैलरी के अंदर 16 है, उसी तरह से जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन्स के अंदर बेटा वो आपका सेक्शन 45. तो सेक्शन 45 क्लियरली बोलता है बेटा कि कौन सी इनकम इस चैप्टर के अंदर टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम इस चैप्टर के अंदर टैक्सेबल होगी. तो वो हम सेक्शन वाइज जब पढ़ेंगे तब आएंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी देखो ये बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45 सब सेक्शन 1.
तो बेटा बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, बेसिक कंडीशन फॉर चार्जिंग कैपिटल गेन इज एज फॉलो, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। अगर मैं इसको कुछ और तरीके से बोलूं तो आपके पास में बेटा क्या होना चाहिए, एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। अब ये कैपिटल एसेट क्या होता है, तो इसका एक डेफिनेशन हो गया सेक्शन 214 के अंदर, राइट। दूसरा वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, तो सर ये ट्रांसफर क्या है, इसका भी डेफिनेशन हो गया सेक्शन 247 के अंदर, वो 214-247 के अंदर। तीसरा जो ट्रांसफर है बेटा, ये ट्रांसफर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो मेरे पास में अगर कैपिटल एसेट, कैपिटल सपोज कैपिटल एसेट में एग्जांपल लेते, मेरे पास में रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस इज अ कैपिटल एसेट, बट वो मेरे पास है, और सपोज आपको पता है कि भाई घर का वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता जाता है वहां पे, तो सपोज मैंने 7 लाख रुपीज में हाउस लिया था, रेजिडेंशियल हाउस लिया था, 5 साल बाद में उसकी वैल्यू आज 20 लाख रुपीज हो चुकी है, तो वैल्यू तो बढ़ी है, वैल्यू तो बढ़ी है, बट ये गेन रियलाइज नहीं हुआ है। ये जो 13 लाख का गेन है, इट इज नॉट रियलाइज। तो अपने को कोई कैपिटल गेन कंप्यूटेशन नहीं करना है, बट इफ सच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर हो रहा है अगर वो कैपिटल एसेट बेटा, तो उस केस में वो जो गेन है, ठीक है, वो रियलाइज होगा। जो भी 13 लाख का गेन है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी 7 लाख का था, अभी 20 हो गया, तो 13 लाख का वो जो गेन है वो रियलाइज होगा, तब जाके कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो सिर्फ कैपिटल असेट होने से बेटा कुछ नहीं होता, कैपिटल असेट को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर करेंगे तभी तो गेन या लॉस जो भी होगा। तो यहाँ पे पहला आता है देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, दूसरा सच कैपिटल असेट मस्ट बी ट्रांसफर, तीसरा जैसे कि मैंने बताया कि भाई ड्यू टू दैट ट्रांसफर देयर मस्ट बी सम गेन, सम क्या होगा बेटा, कुछ गेन होना चाहिए, कुछ गेन होना चाहिए। अच्छा, गेन इंक्लूड्स नेगेटिव गेन ऑल्सो, नेगेटिव गेन मतलब लॉसेस, नेगेटिव गेन मतलब losses, ठीक है। तो there must be a capital asset, capital asset must be transferred during the previous year, ये transfer during the previous year अपने आप में एक condition है बेटा। और ध्यान रखना कि capital gain आपको तभी compute करना है जब capital asset is transferred during the previous year, during the previous year, तभी हम इस साल में capital gain compute करेंगे। हाँ, इसे कुछ exceptions जरूर है, इसे exception जरूर है कि भाई capital asset transfer नहीं हुआ है during the previous year, वो किसी और साल में transfer हुआ है, but हम लोग कैपिटल गेन इस साल कंप्यूट कर रहे हैं। जनरल रूल क्या बोलता है, कैपिटल एसेट शैल बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे उस साल के अंदर, बट देयर आर सम एक्सेप्शन दैट वी विल डिस्कस, कि वो जो ट्रांसफर है वो किसी और ईयर में हुआ है बेटा, ठीक है, और कैपिटल गेन हम किसी और ईयर में कर रहे हैं, वो एक्सेप्शंस आर दैट वी विल डिस्कस, 4 exceptions आर देयर, राइट, ठीक है। तो ये आपका वहां पे थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ कंडीशन होता है कि बेटा जो गेन होता है ना, जो गेन, वो गेन कहीं पे एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 सीरीज, ठीक है, 54 एग्जेम्पशंस वाले हैं, तो उसके अंदर गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो सच गेन शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 54 बी 54 डी 54, अलग अलग वहां पे ईसी हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है, सो वी विल डिस्कस। तो कहने का मतलब जो आपका गेन है वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो गेन एग्जेम्प्ट हो गया तो फिर अपने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो कैपिटल गेन होगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अंडरस्टूड यस बेटा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन मैं आपको बताया। यहाँ पे तो चार्जिंग 45(1) में क्या बोला हुआ है कि भाई देयर मस्ट बी कैपिटलेशन, कैपिटलेशन मस्ट बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर होना चाहिए। पढ़े पढ़े बेटा जो भी गेन हो रहा है वो रियलाइज नहीं हो रहा है, और जब तक गेन रियलाइज नहीं हो रहा है तब तक कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन नहीं होगा। तो कैपिटल गेन वी विल कंप्यूट ओनली व्हेन सच गेन इज रियलाइज, और रियलाइज कब होगा बेटा, जब उसको एक्चुअल में ट्रांसफर करेंगे। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है ये चीज, डन बेटा, ओके। अब बेटा आती है बात कि कैपिटल असेट और ये देखो, ये कैपिटल असेट और ट्रांसफर, कैपिटल असेट ट्रांसफर होगा तब कैपिटल गेन्स होगा। तो पहला कंडीशन कैपिटल सेट, दूसरा ट्रांसफर, फिर गेन हो गया अगर ऐसा होता है तो, 1+2 अगर है तो गेन हो गया, और वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एज पर दिस सेक्शन द ईयर ऑफ चार्जिंग कैपिटल गेन्स इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैंने क्या बोला, जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल में हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, राइट, ठीक है, मतलब अक्रूअल बेसिस पे, नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। बट अच्छा, ये जनरल रूल है कि ईयर ऑफ टैक्स क्या होता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट कुछ ऐसे केसेस है, हाउएवर देयर आर 4 exceptions टू दिस रूल जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार्जिंग सेक्शन 45(1) बोलता है। अब बेटा ये तो हो गया चार्जिंग सेक्शन 45(1), अब हम आ जाते हैं लाइन से कि भाई व्हाट इज कैपिटल एसेट, क्योंकि अपने को ये भी तो समझना जरूरी, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे,
ठीक है. सो कैपिटल गेन इज अ राइज इन अ वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट दैट इज इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दैट गिव्स अ हायर वर्थ देन द परचेज प्राइस. द गेन इज नॉट रियलाइज अंटिल द असेट इज सोल्ड. जैसा कि मैंने बता दिया आपको, अ कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे, एंड मस्ट बी क्लेम्ड ऑन इनकम टैक्स. ठीक है, ये लेट्स डिवाइड दिस चैप्टर टू पार्ट. ठीक है, एक आप बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे और दूसरा सेक्शन वाइज आप डिटेल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बेटा बेसिक कंडीशन कंप्यूटेशन, तो कैपिटल असेट होना चाहिए, वो ट्रांसफर होना चाहिए और कैपिटल गेन होगा. तो सबसे पहले बेटा जो गेन होता है वो दो टाइप का होता है. पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब वो शॉर्ट टर्म कब होता है, लॉन्ग टर्म कब होता है, तो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर. पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड होता है. तो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम बिल्कुल बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले एक बार कंप्यूटेशन का फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटेशन कैसे होता है, कंप्यूट कैसे करते हैं, वो अपने को समझ में आना चाहिए. तो बेटा ये दो तरह का कंप्यूटेशन है. पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, ये चीज. तो अगर बेटा लॉन्ग टर्म है वहां पे, सॉरी पहले शॉर्ट टर्म का देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म है बेटा, तो सबसे पहले हम लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. कि मान लो मेरे पास में ये कैपिटल असेट है, ये कैपिटल असेट है और कैपिटल असेट में क्या कर रहा हूं बेटा, ट्रांसफर कर रहा हूं. तो मैं किसी न किसी वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर कर रहा होगा. दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंसिडरेशन बोलते हैं. और उस कंसिडरेशन को यहां पे हम लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सर सेलिंग प्राइस क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जरूरी नहीं कि एवरी टाइम हमको मनी कंसिडरेशन ही मिले. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार्टर सिस्टम भी होता है. हमने सामने वाले को कैपिटल असेट दिया, सामने वाले ने हमको कैपिटल असेट दिया. कुछ और भी केसेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज वाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो वर्ड है वो यूज नहीं किया था. यहाँ पे क्या यूज किया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्ड यूज किया जाता है. क्या यूज किया था बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यूज किया जाता है. ठीक है, और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा उसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस. क्या लेस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो खर्चे होते हैं. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्रॉपर्टी था, रेसिडेंशियल हाउस था या कुछ भी था, वो मैंने बेचा बेटा. तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मैंने किसी को कोई ब्रोकरेज पे किया, वो ट्रांसफर एक्सपेंस है. कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर मैंने स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया, वो मेरे लिए क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस है. रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए किसी लॉयर को मैंने कुछ पेमेंट किया, ट्रांसफर एक्सपेंस है. तो जो भी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अगर कुछ खर्चा होता है तो वो आपका लेस हो जाएगा. किसके अंदर से, वो लेस हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से. तो बेटा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 110 लाख है, उसमें से 10 लाख का खर्चा हुआ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो मैंने लेस किया, तो वो जो आएगा 100 लाख उसको बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन या नेट कंसिडरेशन. नेट सेल कंसिडरेशन या नेट कंसिडरेशन बोलेंगे, एनएससी नेट सेल कंसिडरेशन या नेट कंसिडरेशन बोलेंगे. अब नेट कंसिडरेशन बेटा उसमें से दो चीजें लेस होती है, दो चीजें डिडक्ट करते हैं. अगर शॉर्ट टर्म अगर वहां पे आपका कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म था तो हम पहला तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे. उस असेट को खरीदने का जो कॉस्ट लगा था, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. उस असेट को अक्वायर करने का जो कॉस्ट लगा, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, वो लेस करेंगे. और दूसरा बेटा लेस करेंगे, लेस यहां पे आ गया, दूसरा हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ये लिख देना यहां पे, लेस आ गया, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. और ये ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, ये यहां पे दो एक्स के ब्रैकेट में लिख देना. पहला हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने जो परचेज करने के लिए पे किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन परचेज करने के बाद में भी आपने कुछ खर्चा करवाया होगा. सपोज मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया था 10 लाख में, लेकिन उसके ऊपर मैंने एक फ्लोर बनवाया, 5 लाख खर्चा किया, दिस इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट. तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक बार आ गया, फिर उसके अलावा आप जितनी बार उस असेट के ऊपर खर्चा करेंगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज इंप्रूवमेंट. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हम लोग लेस कर देंगे, राइट. ठीक है, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट था. तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, उसमें से दो तरह के डिडक्शन, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. दोनों चीजें लेस कर दी वहां पे, या आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. दूसरा बेटा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, कैपिटल असेट क्या बेटा, लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो यहां तक तो सेम है, नेट सेल कंसिडरेशन तक तो सेम है. नेट सेल कंसिडरेशन तक आपका वो सेम है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा. उसमें से बेटा हम लेस करते इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. हालांकि उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट फिर भी एक समझो कि सपोज मैंने कोई असेट 2001 के अंदर परचेज की थी 100 रुपीज में,
मैंने 2001 के अंदर 100 रुपीज में परचेज की थी और आज मैं उस असेट को 2020-21 के अंदर, ठीक है, मैं बेच रहा हूं जो भी वैल्यू पे बेच रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे सपोज 1 लाख रुपीज में बेच रहा हूं, तो बेटा क्या वहां पे वो जो 100 रुपीज 2001 का जो वैल्यू था, क्या आज भी वो 2001 का वैल्यू जो था 100 रुपीज, आज भी उसका वैल्यू 100 रुपीज ही होगा? क्या आप ऐसा मानते हो कि जो 100 रुपीज था उसका वैल्यू आज भी 100 रुपीज ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये चीज है। तो हमको क्या करना, और जबकि हम सेलिंग प्राइस क्या ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस ले रहे हैं 2020-21 का, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 2020-21 का सेलिंग प्राइस विथ कॉस्ट ऑफ 2001? कंपेयर नहीं कर सकते ना, कंपेयर करोगे तो वो टेक्निकली पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो जो 2001 का जो 100 रुपीज है उसको आज की वैल्यू में लाना पड़ेगा, क्यों, कैपिटल गेन तो आप आज कंप्यूट कर रहे हैं, हम सेलिंग प्राइस को उस वैल्यू में नहीं ले जा सकते, लेकिन जो कॉस्ट है उसको आज की वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो हम इंडेक्सेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंडेक्सेशन करते हैं आज की वैल्यू में लाने के लिए, और वो इंडेक्सेशन करने के लिए अपने को दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंडेक्स नंबर्स दे रखे होंगे, CII नंबर दे रखे होंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, बराबर, ठीक है। तो वो जो नंबर दे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, जिस साल का वैल्यू 2001-2002 उसका हम डिनोमिनेटर में मतलब नीचे लिख देंगे वहां पे, और 2020-21 का जो वैल्यू है CII नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आज का नंबर आ जाएगा, आज का जो वैल्यू वो आ जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, बट कुल मिला के समझो इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपने बहुत पहले कोई एसेट परचेज की थी और उसको आज की वैल्यू में लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, इंडेक्सेशन कर रहे हो। दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वैसे ही इंप्रूवमेंट भी आपने बहुत पहले किया होगा, तो इंप्रूवमेंट की वैल्यू भी आज के लाने के लिए आप क्या करते हो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये इस तरीके से आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस और उसमें से लेस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट्स इट, शॉर्ट टर्म आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के केस में बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका नेट सेल कंसीडरेशन, इसमें से दो चीजें लेस करते इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ और नहीं है बेटा। हम क्या कर रहे हैं, बहुत पुरानी वैल्यू है इसलिए आज की वैल्यू में लाने के उसका इंडेक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों चीजें लेस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अलग अलग क्यों निकालना है सर, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी निकालो, नाम एक ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है बेटा कि जो दोनों की टैक्स रेट्स है वो अलग अलग है, दोनों के केस में जो बेनिफिट्स है बेटा वो अलग अलग है, ठीक है। टैक्स रेट्स भी अलग अलग है और जो बेनिफिट्स है वो भी बेटा अलग अलग है, ठीक है। किसी केस में जो सेक्शन 54 सीरीज के एग्जेम्पशंस है, कुछ केसेस में सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने मिलते हैं, कुछ केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के सामने मिलते हैं। दैट इज वाई अपने को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, कैसे कंप्यूट करना है, फॉर्मेट समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते बेटा, ये तो हो गया कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आता है बेटा कैपिटल असेट का डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बोला था कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, तो वहां पे मैंने बोला सेक्शन 214 के अंदर डेफिनेशन आ गया। अब बेटा ये डेफिनेशन जो बोलता है ना, डेफिनेशन कैपिटल असेट का, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, नीचे अगर मैं लिखूं, आप चाहो तो लिख देना कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है। कैपिटल असेट का सेक्शन 214 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखा है वो बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड, whether movable or immovable। movable मतलब like अगर वहां पे कार है, फर्नीचर है, ये movable है, ठीक है। और immovable का मतलब क्या होता है, लैंड और बिल्डिंग में बोल चुके, तो whether movable, indible, immovable, tangible और intangible, tangible और इंटेंजिबल, ठीक है, कॉमा, यूज फॉर बिजनेस, यूज फॉर बिजनेस और पर्सनल। तो बेटा इसमें तो सब कुछ आ गया। क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड, एनी काइंड, बात खत्म हो जाती है बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बोलते खत्म हो जाती है, फिर चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी हो या फिर चाहे बिजनेस का प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिर चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, फिर चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, हर तरह का प्रॉपर्टी कैपिटल असेट हो जाएगा, बात खत्म करने का मतलब इसका। तो लेकिन बेटा अगर ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी हो गया
तो बेटा आदमी कैपिटल गेन कंप्यूट करते करते थक जाएगा, इंसान कैपिटल गेन कंप्यूट करते करते क्या हो जाएगा बेटा, थक जाएगा। कि घर में एक पुराना टेलीविजन था बेटा, वो पुराना टेलीविजन हमने बेच दिया नया टेलीविजन खरीदने के लिए, और इनकम टैक्स आके बोलेगा कैपिटल गेन कंप्यूट करो। बताओ, घर के अंदर एक पुराना रेफ्रिजरेटर था वो बेच दिया, ऑब्वियसली नया रेफ्रिजरेटर लेना था अपने को, इनकम टैक्स वाले आके बोलते तुमने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन कंप्यूट करो। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ा तो आम आदमी तो परेशान हो जाएगा कि भाई कितना कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा। हर आदमी को सीए के पास में जाना पड़ेगा कैपिटल गेन कंप्यूट करवाने के लिए। तो फिर क्या किया गया, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल, बस बात खत्म, कहने का मतलब यूज फॉर बिजनेस और नॉट फॉर बिजनेस। तो बेटा उसमें तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो क्या किया गया कि इसके कुछ एक्सेप्शंस वहां पे डाल दिए। तो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट बेटा, अगर मिसेज जीएस की जी है, क्या है बेटा, मिसेज जीएस की जी, मिसेज जीएस की जी कीवर्ड, मिसेज जीएस की जी, मिसेज गोविंद सिंह जी की जी है ना, मिसेज गोविंद सिंह जी की जी अगर बेटा है तो वो कैपिटल असेट ही नहीं होता, और वो अगर कैपिटल असेट नहीं है तो बेटा कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन है। अगर मिसेज जीएस की जी है तो ना वो कैपिटल असेट है ना कैपिटल गेन होगा, ना कैपिटल गेन होगा, ठीक है, अपनों कुछ कंप्यूट नहीं करना है। लेकिन अगर मिसेज जीएस की जी के अलावा कोई असेट है, अदर असेट है, अदर असेट है, तो वो कैपिटल असेट भी होगा और वो कैपिटल गेन भी उसके ऊपर कंप्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया ये चीज? ओके, तो अभी बेटा एक्सेप्शन की बात आती है। तो कि भाई व्हाट आर लाइक मिसेज जीएस की जी क्या है? तो मिसेज जीएस की जी सबसे पहले आता है एमएम फॉर मूवेबल पर्सनल असेट्स, जैसे कि मैंने बताया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इवन पर्सनल कार आल्सो, पर्सनल। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर हर एक असेट कैपिटल असेट होता तो बेटा हम टीवी बेचते, फ्रिज बेचते, कार बेचते, वॉशिंग मशीन बेचते, कैपिटल गेन अपने कंप्यूट करना पड़ता, एंड फिर उसके बाद में ये बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती। तो क्या बोला कि इफ देर आर मूवेबल पर्सनल असेट्स, देर आर मूवेबल पर्सनल, ओनली मूवेबल, नॉट इमूवेबल पर्सनल असेट। मतलब अगर आपका पर्सनल लैंड है, ठीक है, कोई बगीचा है, कोई गार्डन है, या फिर रेसिडेंशियल हाउस है बेटा, तो भले ही वो पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस है जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, गार्डन के अंदर आप गार्डनिंग करते हो, या फिर आपका कोई फार्म है जहां पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो और वो पर्सनल नेचर का है, बट दिस इज कैपिटल एसेट, ये सारे कैपिटल एसेट है। क्योंकि इन्होंने साफ साफ क्या बोलते बेटा, सिर्फ कौन सी कैपिटल एसेट नहीं होगी, तो वो है बेटा मूवेबल पर्सनल एसेट, मूवेबल पर्सनल एसेट। और मूवेबल पर्सनल असेट बेटा है, ठीक है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, अपना पर्सनल लैपटॉप हो, फोन, सेलफोन हो, पर्सनल, ठीक है। अगर आपका बेटा बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आप वहां पे, कि भाई मान लो आपका कोई कैफे है, वहां पे आपने टीवी लगा रखा है, वहां पे आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, या फिर आपका लॉन्ड्री है, वहां पे आपका वॉशिंग मशीन है, देन दीज आर कैपिटल असेट्स, क्योंकि वो पर्सनल असेट नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपके घर पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर्सनल कार अगर है, तो बेटा वो आपका कैपिटल असेट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मूवेबल पर्सनल असेट। अच्छा, मूवेबल पर्सनल असेट की तो बात करूं कि मान लो मैंने अपने लिए कोई रिंग खरीदा, गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, मैंने रिंग खरीदा, ठीक है, और मैं बोलूं कि सर ये भी वहां पे मेरा मूवेबल पर्सनल असेट है, गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, व्हाटएवर, बराबर है, मूवेबल क्या है, पर्सनल असेट है बेटा, ऐसा तो होगा ना। तो फिर कहने का मतलब जो महंगी महंगी प्रॉपर्टीज है, डायमंड्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, कहने का जो प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है बेटा, उनको आप बेचोगे, कोई वहां पे आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मूवेबल पर्सनल असेट्स के अंदर से भी एक्सेप्शन, मतलब वो कैपिटल असेट हो जाएगा, मूवेबल पर्सनल असेट में से एक्सेप्शन मतलब वो कैपिटल असेट हो जाएगा, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी मतलब लाइक ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी प्रीशियस सेमी प्रीशियस मेटल, अलॉय ऑफ मेटल वगैरह जो भी है, कहने का मतलब।
या फिर उसके अंदर वो भी आ जाएगा एनी डायमंड्स और एनी स्टोन्स, प्रीसीज सेमी प्रीसीज स्टोन्स, वेदर दीज आर एम्बेडेड इनटू एनी फर्नीचर और स्विन इनटू एनी अपेरल। भाई किसी कपड़े के अंदर भी अगर कोई आपने के डायमंड्स के बटन लगवा दिए बेटा, आप बोलोगे ये तो शर्ट तो मेरा पर्सनल इफेक्ट का आइटम है, नहीं बेटा वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि नीता अंबानी का जो आईफोन है वो आईफोन ऐसे गोल्ड प्लेटेड ऐसे बोलते हैं, मतलब आपने तो देखा नहीं, कहने वाले गोल्ड प्लेटेड है, उसके अंदर डायमंड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो बेटा वो आईफोन भले ही उसका पर्सनल, भाई मेरा जो मेरा आईफोन है आपका आईफोन है वो हमारा पर्सनल असेट है क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन नीता अंबानी का फोन है जो उसने गोल्ड लगवा रखा है, डायमंड्स लगवा रखे बेटा, वो फिर पर्सनल असेट नहीं हो जाएगा, वो कैपिटल असेट हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, ठीक है। मेरी पर्सनल कार है बेटा, वो मेरे लिए क्या है, वो पर्सनल असेट हो जाएगा, वो कैपिटल असेट नहीं होगा। लेकिन अगर कार में मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो पर्सनल असेट हो जाएगा, सॉरी बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो कैपिटल असेट हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, ठीक है। तो मूवेबल पर्सनल असेट, ठीक है, वो आपका कैपिटल असेट नहीं होगा। देखिए नीचे क्या बोला, फॉलोइंग आर मूवेबल पर्सनल असेट्स बट कैपिटल असेट्स, है तो मूवेबल पर्सनल असेट बट फिर भी कैपिटल, जैसे कि ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग्स वगैरह बनाते हैं, स्केच वगैरह बनाते हैं, ड्रॉइंग्स जो महंगी महंगी, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, बुलियन मतलब जो रॉ गोल्ड रॉ सिल्वर होता है, गोल्ड बिस्किट सिल्वर बिस्किट, ठीक है, वो सारे के सारे उनको बुलियन बोलते हैं। इसका कीवर्ड है डीजे पे सब नाचेंगे, डीजे पे सब नाचेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब हम पढ़ेंगे, गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा डीजे पे सब नाचेंगे। डी फॉर ड्रॉइंग्स, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग्स, एस वन फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एस टू फॉर स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज, ए वन फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए टू फॉर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बी इज फॉर बुलियन, बी इज फॉर बुलियन। तो ये सारी चीजें बेटा भले ही पर्सनली आपने वहां पे हेल्ड कर रखा हो, ले रखा हो, कि भाई आप बोलते हो कि पेंटिंग मेरे बेडरूम में लगा हुआ है, ये मेरा पर्सनल असेट है, नहीं बेटा वो पेंटिंग कैपिटल असेट हो जाएगा। पेंटिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल असेट। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आप बोलते हो कि एज ए इन्वेस्टमेंट मैंने ले रखा है, ये मेरा पर्सनल असेट है, नहीं बेटा वो कैपिटल असेट हो जाएगा। को आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आपने अपने घर में रख रखे है, बोले कि ये हमारे घर की सजावट के लिए बेटा, वो कोई स्टैच्यू वगैरह आपने अपने घर के अंदर रख रखा है, बोला आप ये हमारा पर्सनल असेट है, बेटा वो कैपिटल असेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल असेट। आपने अपने अलमारी के अंदर गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स रख रखे, गोल्ड बिस्किट सिल्वर बिस्किट रख रखी है, दिवाली के दिन या फिर जो धनतेरस होते हैं उस दिन आप उसको बाहर निकालते हो, पूजा वूजा करते हो, फिर से अंदर रख देते हो, आप बोलो ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है कि भाई लक्ष्मी जी से या कुबेर महाराज से डायरेक्ट कनेक्टेड है, पर्सनल असेट है। भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर आप बोलते हो कि ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसा रिवाज है कि हम पूजा पाठ करते हैं धनतेरस के दिन और जो भी मतलब और भी कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं, गुड़ी पाड़वा वगैरह, ठीक है, तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, पर्सनल ना बेटा वो कैपिटल असेट हो जाएगा। कैपिटल असेट हो जाएगा, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन, गोल्ड बार सिल्वर बार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे कैपिटल असेट हो जाएंगे। इवन अगर हमारे घर के अंदर गोल्ड यूटेंसिल्स, गोल्ड यूटेंसिल्स अगर वहां पे है और वो यूज होते हैं, हालांकि गोल्ड यूटेंसिल्स तो मतलब मिडिल क्लास के अंदर या अपर क्लास के अंदर भी लोग यूज नहीं करते, हाँ वो अलग बात है, रॉयल फैमिलीज वगैरह, ठीक है, उनकी शानो शौकत मतलब वो अलग मैटर हो गया कहने का मतलब, लेकिन वो गोल्ड यूटेंसिल्स की भाई सोने की कटोरी है, सोने का चम्मच है, गोल्ड यूटेंसिल्स विल बी ऑल्सो पर्सनल ऑल्सो कैपिटल असेट, भले वो आप पर्सनली आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल असेट, दीज आर पर्सनल असेट्स, चाहे तो लिख दो वहां पे कहीं पे लिख दो, ठीक है, गोल्ड बार सिल्वर बार, या फिर एक काम करो मैं जो लिखवाता हूं लिख दो, ये इसी पॉइंट कनेक्ट करते हुए यहां पे ऊपर ही लिख देना या जहां पे भी जगह हो, ज्वेलरी मींस ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड कॉमा सिल्वर कॉमा प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डायमंड्स, ठीक है, और
any other precious or semi precious stones, comma, whether these are embedded into any article or thing, जैसे कि iPhone में लगा रखे है, any article or thing, or sewn into, सिला हुआ, ठीक है, into any apparel, किसी कपड़े के अंदर सिला हुआ, ठीक है, apparel का स्पेलिंग देख लेना, जो भी है, ठीक है. इसके आगे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गोल्ड बार्स, सिल्वर बार्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड बार, सिल्वर बार, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड यूटेंसिल्स आर कैपिटल असेट्स, भले वो आपने पर्सनली हेल्ड क्यों नहीं कर रखा हो. ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट सिल्वर यूटेंसिल्स, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बेटा इंडिया में चांदी के बर्तनों में खाना खाना या चांदी के बर्तनों को यूज करना, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ कल्चर. और भले ही मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अंदर सोने की कटोरी के अंदर, सोने की चम्मच से, सोने की थाली में खाना नहीं खाते हो, लेकिन चांदी के आपको छोटे मोटे बर्तन जरूर मिल जाएंगे कि चांदी का जो ग्लास होता है या चांदी की कटोरी या चांदी की चम्मच छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, राइट, ठीक है, वो यूज होती है. तो इसलिए सिल्वर यूटेंसिल्स को कैपिटल असेट नहीं माना जाता. अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? तो क्या पर्सनल असेट है, क्या नहीं है, क्लियर है ये चीज वहां पे? तो सबसे पहला आपका मूवेबल पर्सनल असेट, ठीक है, ये कैपिटल असेट नहीं. दूसरा बता रहा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ठीक है, वो भी कैपिटल असेट नहीं होता. एक किसान होता है बेचारा, कितनी जमीन होती है, ज्यादा जमीन होती नहीं है, और इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. तो क्या बोला गया कि अगर, और जो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होता है वो रूरल एरियाज के अंदर होता है, अगर एक किसान की जमीन को भी अगर कैपिटल असेट की डेफिनेशन में लेकर के आगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा. एक किसान जिसके पास में छोटी मोटी जमीन होती है, बेटी की शादी के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए वो अपनी जमीन बेच देता है, बहुत मुश्किल से उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, ठीक है, और अगर उसमें से भी वहां पे उससे टैक्स लिया जाएगा, तो कहने का मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी. इसलिए रूरल ने क्या किया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को वहां पे बोला गया कि कैपिटल. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है. तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, जो कैपिटल एसेट है ही नहीं है, कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर वन. दूसरा बेटा, अगर रूरल एरिया के अंदर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एरिया के अंदर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, रेसिडेंशियल प्लॉट वगैरह, वो कैपिटल एसेट है. वो क्या है, कैपिटल एसेट. तो एग्रीकल्चर लैंड बट इन रूरल एरिया नॉट अ कैपिटल एसेट. बाकी जितनी भी लैंड है, जो भी लैंड है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट हो जाएगा. तीसरा आता है स्टॉक एंड ट्रेड. जैसा कि मैंने बताया कि अगर सब कुछ ही कैपिटल एसेट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. मान लो मैं ज्वेलर हूं, मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूं, तो यहां पे तो लिखा हुआ कि ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, ऊपर भी लिखा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज कैपिटल एसेट, ज्वेलरी भी उसके अंदर आता है. लेकिन बेटा, जो ज्वेलरी का मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ज्वेलरी का शोरूम चला रहा हूं, मैं वहां पे एक शोरूम चला रहा हूं, ज्वेलरी मैंने रखी हुई है, वो मेरे लिए स्टॉक एंड ट्रेड है, जिसको मैं बेचता हूं, और उससे जो इनकम आती है पीजीपी में जाती है, उससे जो इनकम आती है वो कहां जाती है बेटा, पीजीपी. तो अगर वो कैपिटल एसेट हो गया तो बेटा मेरे को फिर कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब दो दो तरह के प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा ये चीज वहां पे. इसलिए क्या बोला गया कि अगर वहां पे किसी तरह का कोई स्टॉक इन ट्रेड है, या फिर ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, या कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है.
तो रॉ मटेरियल भी उसमें आ जाएगा सर। कैसे? जैसे कि एक ज्वेलर के लिए जो ज्वेलरी बनाता है उसके लिए ज्वेलरी इज स्टॉक इन ट्रेड, ज्वेलरी इज व्हाट स्टॉक इन, बट उसके लिए जो बुलियन है गोल्ड बार सिल्वर बार, वो रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जो गोल्ड बार सिल्वर बार, क्योंकि बेटा बुलियन क्या है? बुलियन इज अ कैपिटल एसेट। मैंने पहले ही बताया कि भाई आपने अगर अपने घर में गोल्ड बार सिल्वर बार रख रखे हैं तो वो आपके लिए कैपिटल एसेट, यस और नो? लेकिन एक ज्वेलर के लिए तो वो क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या बेटा? वो रॉ मटेरियल है, तो बेटा वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया बात मतलब? ठीक है, तो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो भी कैपिटल एसेट। नेक्स्ट बेटा आता है गोल्ड बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये दूसरा है, कॉमा कर देना। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। बात को समझो, जनरली बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट होती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? कैपिटल, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर आपने उनको एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड नहीं कर रखा है तो, क्योंकि अगर आपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है तो यू आर डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, राइट राइट राइट, और फिर उसके बाद में शेयर्स बेचोगे सिक्योरिटीज बेचोगे तो वो आपका पीजीपी इनकम हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? तो अगर आपने शेयर सिक्योरिटीज कमोडिटीज ये सारी चीजें अगर एज ए कैपिटल एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखा है, नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो वो आपका कैपिटल एसेट हो जाता है। तो बॉन्ड्स में बेटा टेक्निकली क्या हो गया? कैपिटल एसेट हो गया, यस और नो? लेकिन बेटा ये जो बॉन्ड्स है ना, ये गवर्नमेंट इशू करता है, गवर्नमेंट को गोल्ड चाहिए रहता है, तो आप क्या करते हो? अपने के घर में गोल्ड पड़ा है गवर्नमेंट को दे दोगे, गवर्नमेंट उसके बदले में आपको बॉन्ड्स दे देगा, बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेगा, कहने का मतलब ये चीज है। अब बाद में मान लो कल की तारीख में फ्यूचर में वो गोल्ड बॉन्ड्स है उनको आप बेचते हो या उनका रिडेम्पशन होता है, तो ऐसा बोलेंगे कि भाई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया। और जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया तो बेटा आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? गोल्ड मैंने अपना दिया, उसके बदले में आपने मुझे बॉन्ड दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कोई ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं, उससे अच्छा इंटरेस्ट तो कहीं और मिल जाएगा, कहने का मतलब ये चीज है। उसके बावजूद भी सरकार क्या बोल रही है कि कैपिटल एसेट है, और जब मैं रिडम्पशन हो रहा है या मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर मैं जब उसको बेच रहा हूं तो आप बोल रहे हो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल गेन कंप्यूट हो रहा है। तो क्या कोई भी इंसान गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा क्या बेटा? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? ठीक है, एक काम करो, ये गोल्ड बॉन्ड्स ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 जो भी है, ये कैपिटल एसेट ही नहीं होगा बेटा, ये कैपिटल एसेट ही नहीं होगा, झंझट ही खत्म। नो कैपिटल एसेट, नो कैपिटल गेन किसी तरह का। तो लोग मोटिवेट होंगे कि एक बात अच्छी यार कि भाई हमने अपना गोल्ड दिया, उसके ऊपर बॉन्ड्स मुझे मिलेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जब वो और ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर ऐसा जो बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, तो डबल फायदा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, क्यों? घर में तो गोल्ड पड़ा पड़ा, ना सड़ रहा था ना कुछ हो रहा था, ना डबल हो रहा था, कहने का मतलब ये। तो उससे अच्छा सरकार को दे दिया, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जब मैं उस बॉन्ड को बेचूंगा या ट्रांसफर करूंगा या मैच्योरिटी होगा तो बेटा वो ट्रांसफर भी अगर होगा तो भी वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो मेरे को कैपिटल गेन भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है स्पेशल बैरर बॉन्ड्स। वही गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को क्या कर देती है? कैपिटल एसेट से डेफिनेशन से निकाल दिया, तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। लास्ट में आता गुडविल ऑफ प्रोफेशन। गुडविल ऑफ प्रोफेशन कौन सा? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के हिसाब से उसको भी वहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया कि भाई इसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है बेटा वो कैपिटल एसेट है, गुडविल ऑफ बिजनेस कैपिटल, गुडविल ऑफ प्रोफेशन है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। पहला क्या? मिसेज जीएसकी जी, राइट, एम फॉर मूवेबल पर्सनल असेट, बट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी वगैरह जो डीजे पे, एक्सक्लूडिंग डीजे पे सब नाचेंगे, अगर वो है तो वो कैपिटल असेट है, राइट। दूसरा आता है बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तीसरा बेटा आता है वहां पे स्टॉक एंड ट्रेड इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। उसके बाद में आता है वहां पर मिसेज, फिर इसके बाद में जी गोल्ड बॉन्ड्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, फिर स्पेशल बैरर बॉन्ड्स, एंड लास्ट में आता है गुडविल ऑफ प्रोफेशन, ये कैपिटल एसेट नहीं होता है। तो बेटा इनमें से अगर कोई असेट है तो कैपिटल एसेट नहीं है, और कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी कंप्यूट नहीं होगा। इसके अलावा कोई है तो कैपिटल एसेट होगा, कैपिटल एसेट होगा, कैपिटल गेन भी कंप्यूट करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? तो ये सेक्शन 214 वहां पे क्लियर हो गया। अब आता दूसरा, कैपिटल एसेट हो गया, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर दे रखा है सेक्शन 247 के अंदर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर दे रखा है सेक्शन 247 के अंदर। और सेक्शन 247 क्या बोलता है? ट्रांसफर इंक्लूड शेयर की ईसीजी, शेयर कीवर्ड है, शेयर की ईसी, शेयर
है ना, ऐसे मतलब लाइक यूपी राजस्थान के अंदर, थोड़ा बिहार के अंदर हम शेर को शेर बोलते हैं, कहना थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ा सा रहता है। हम टीवी को टीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेलवे में बैठकर टीवी पर क्या देखेंगे, आईपीएल 43B, राइट, ठीक है। तो हम टीवी को टीवी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बोलते हैं, कहने का मतलब ये चीज, थोड़ा सा हम बोलने का हमारा तरीका अलग होता है। तो शेर की, शेर की क्या हो गई, ईसीजी। तो शेर की जब ईसीजी होगी तो शेर तो ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सेक्शन 247। तो ये ट्रांसफर के अंदर क्या क्या इंक्लूड आएगा, पहला आता है सेल ऑफ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट बेच दिया। दूसरा आता है ई फॉर एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट, एक कैपिटल असेट दिया बदले में दूसरा कैपिटल असेट ले लिया, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट। तीसरा रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, व्हाट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, सरेंडरिंग राइट इन असेट। आप ना तो बेच रहे हो ना कुछ एक्सचेंज कर रहे हो। सपोज ये एक घर है बेटा, ये घर है, इस घर के दो पार्ट है, एक आपके नाम से है बराबर है, और एक आपके सिस्टर के नाम से है, ठीक है, सिस्टर लिखता हूं मैं उनके नाम से मतलब, ठीक है। तो क्या किया गया बेटा, नाम से मतलब लाइक आपका एक आपका हिस्सा था, नाम वाम से कुछ नहीं, एक आपका हिस्सा था, एक सिस्टर का हिस्सा है। तो आपने क्या बोला कि ठीक है एक काम करो दीदी, ये मेरा वाला जो हिस्सा है इसका राइट भी मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे बेटा, सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट दे रहे, क्या दे रहे बेटा, राइट दे रहे कि भाई ठीक है। प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब आपके नाम से प्रॉपर्टी हो, लीगल टाइटल आपके नाम से नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आप अपना राइट अपने सिस्टर के नाम से दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट। इसका एक और अगर एग्जांपल दूं बेटा, तो आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा राइट, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स पढ़ा है आपने। अब इश्यू ऑफ राइट शेयर्स के अंदर ऐसा होता है कि यू आर नॉट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सॉरी यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और जब कभी भी फर्दर इश्यू आता है तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट देती है कि भाई पहले तुम ले लो, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देते कि पहले तुम ले लो, तुमको आईपीओ वाईपीओ के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, रेट बिल्कुल उसी रेट से मिलेगा जो दूसरे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन राइट दे रहे हैं वहां पे कि पहले तुम ले लो। हो सकता है आप नॉर्मली आप आईपीओ वाईपीओ में जाओगे तो आपको शेयर्स मिले भी ना, कहने का मतलब ये चीज है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या बोलता है, यार मैं तो पुराने शेयर लेकर के पछता रहा हूं, कहने का मतलब ये चीज है, बढ़ता ही नहीं है भाव, पैसा और फंसा रखा है। नया शेयर भले ही वहां पे राइट मिल रहा है लेकिन पैसा तो मेरे को देना पड़ेगा, तो यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने क्या बोला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उतने में आपने सुना कि यार वो जो फलाना फलाना कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो आप मेरे पास में, आपने बोला कि सर वो फलानी कंपनी जिसके आप शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग वो कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही है। बोले सर आपको भी राइट इशू मिल रहा होगा ना, मैंने कहा मिल रहा है लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। तो आपने क्या बोला कि सर आप अपना राइट मुझे ट्रांसफर कर दो, आप शेयर ट्रांसफर करने की बात ही नहीं कर रहे, आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो राइट इश्यू के अंदर जो राइट है वो आप मुझे ट्रांसफर कर दो, रिनाउंस कर दो कि भाई मेरे नाम से वो आप मेरे को वो राइट दे दो। मैंने बोला यार क्यों कर रही हो, बोले सर मेरे को वो शेयर चाहिए। मैंने कहा भाई मार्केट से जाके ले लो ना, सेम रेट पे मिल जाएंगे मार्केट से के अंदर भी। बोले सर मार्केट से भले सेम रेट पे मिल जाएंगे लेकिन मिलने चाहिए ना, आईपीओ तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे मेरे को अलॉट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो तय है कि आपके नाम से 1000 शेयर मिलने वाले हैं, तो आप अगर राइट मेरे को ट्रांसफर कर दोगे, राइट मेरे नाम से सरेंडर कर दोगे तो वो 1000 शेयर मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने बोला मैं समझ गया, अच्छा तो चलो मैं राइट तो मैं तुमको दे दूंगा बट मुझे पर शेयर 10 रुपीज चाहिए। पर शेयर कितना चाहिए बेटा, आपको शेयर अल्टीमेटली कंपनी इशू करेगी, शेयर के लिए पैसा भी आप कंपनी को ही पे करोगे, मैं तो सिर्फ उन शेयर्स का राइट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं और उस राइट के बदले में मैं 10 रुपीज पर शेयर ले रहा हूं, राइट का पैसा ले रहा हूं। तो बेटा इस केस में आप देखोगे कि पर शेयर 10 ले रहा हूं तो 1000 शेयर्स के लिए मैंने राइट कितने बेचा, 10,000 में बेचा, अंडरस्टूड, यस और नो? तो मैंने आपको राइट दिया, वो राइट लेके कंपनी के पास में गए, कंपनी ने आपको शेयर इशू कर दिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैंने भी तो आपको राइट दिया। राइट इज इंटेंजिबल असेट, राइट इज व्हाट बेटा, इंटेंजिबल, और वो कैपिटल असेट है। क्या है बेटा, कैपिटल असेट है, तो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, और जो मैंने राइट आपको दिया है दिस इज कॉल्ड रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। क्या बोलते हैं इसको, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। तो यहां पे आप लिख दो रिलिंक्विश कैपिटल असेट, ठीक है, सरेंडरिंग राइट
ठीक है, सरेंडरिंग राइट। और आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, रिनाउंसमेंट, रिनाउंस, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट इन केस ऑफ राइट इशू, इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये एग्जाम्पल हो गया। तो अंडरस्टूड व्हाट इज रिलिंक्विशमेंट। नेक्स्ट आता बेटा, तो ये हो गया शेयर एस, ठीक है, सेल, ई फॉर एक्सचेंज, आर फॉर रिलिंक्विशमेंट। नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन अ कैपिटल एसेट। एक्सटिंग्विश्ड, राइट एक्सटिंग्विश हो गया, आपकी फैक्ट्री थी, कैपिटल एसेट है, आग लग गई, जल के खाक हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, राइट एक्सटिंग्विश हो गया। सर ये कैसे ट्रांसफर हुआ? बेटा आपने उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा था, उसने उस फैक्ट्री क्या करवाता है बेटा, इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा, यस और नो? तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, मतलब आपका राइट सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया, राइट खत्म हो गया, और उसके बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है, यह भी आपका ट्रांसफर होगा। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, राइट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करता है कैपिटल एसेट का, गवर्नमेंट को मेट्रो प्रोजेक्ट लगाना है, कुछ और लगाना है, तो लोगों के बीच में लैंड बिल्डिंग आ रही है, गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगा, लॉ बना के कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेगा, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो कुछ लोग क्या बोलने लगे कि अरे देखो जब कंपनसेशन मिला तो सरकार बोलती है कैपिटल गेन कंप्यूट करो। मैं क्या बोलूंगा, सर ये कोई मेरा वॉलेंट्री सेल नहीं है, ये वॉलेंट्री सेल नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आज के बाद में अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन होता है कैपिटल एसेट का, इट शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बात खत्म, कहने का मतलब ये चीज है, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट बेटा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। आपके पास में कैपिटल एसेट था, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैपिटल एसेट था, गोल्ड था, ज्वेलरी था, कुछ एज ए कैपिटल, एज ए इन्वेस्टमेंट। फिर बाद में आपने क्या किया, एक ज्वेलरी शोरूम स्टार्ट कर लिया, तो आपने अपने उस ज्वेलरी को जो कि एज ए कैपिटल एसेट ले रखा था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, तो बेटा ये भी ट्रांसफर है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब आप स्टॉक एंड ट्रेड बेचोगे, स्टॉक एंड ट्रेड बेचोगे तब तो जो इनकम आएगा वो पीजीपी में जाएगा, स्टॉक एंड ट्रेड बेचोगे तो पीजीपी में इनकम जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे कैपिटल गेन है ही नहीं है क्योंकि मैंने तो स्टॉक एंड ट्रेड बेचा है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है तब तुमने स्टॉक एंड ट्रेड बेचा, तब तुमने स्टॉक एंड ट्रेड बेचा तो इनकम पीजीपी में जाएगा, लेकिन कैपिटल एसेट का कन्वर्जन तो किया है स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर। बोले हाँ, इट शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। क्या मान लेंगे बेटा, ट्रांसफर। इसका भी पूरा एक अलग केस है, हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ, ये लिख देना जीरो कूपन बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख देना रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। मेरे पास में जीरो कूपन बॉन्ड है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट आर जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट जीरो है, बराबर। इंटरेस्ट क्या बेटा, जीरो है, कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं मिला है। तो सर मैं खरीदूंगा क्यों? बेटा वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू होता है और फेस वैल्यू पे रिडम्पशन होता है उसका। सपोज 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए क्या बेटा, फेस वैल्यू, तो 90 रुपीज पे उसको इशू किया जाएगा तो आपका कॉस्ट हो गया 90, और बाद में जब रिडम्पशन होता है तो आपको 100 रुपए पे कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है बात, मतलब ये तो 10 रुपीज का आपका इनकम हुआ कि नहीं, 10 रुपीज का इनकम। लेकिन ये जो रिडम्पशन हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ कैपिटल एसेट, जीरो कूपन बॉन्ड इज व्हाट, कैपिटल, तो जो रिडम्पशन हो रहा है दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। क्या मानेंगे इसको, ट्रांसफर। और लास्ट में आता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डू यू रिमेंबर व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट? मैंने आपको बताया था क्या होता है, जरा बताओ मेरे को, कहां पढ़ा था, कुछ तो आइडिया हो तो मेरे को बताओ, व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था हमने, सेक्शन 27 के अंदर हमने पढ़ा था, डीम्ड ओनरशिप वाला केस था, और उसके अंदर हमने पढ़ा था पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली क्या होता है, कुछ मतलब याद है क्या होता है पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट?
हाँ चलो कर दो। वॉट इज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, वेयर सपोज मेरा एक घर है, मैं सेलर हूं और एक बायर है, एसआरके का आई गेस एग्जांपल लिया था कि एसआरके इज द बायर, उसको खरीदने का है, और एसआरके बोलता है कि सर मेरे पास में ऑलरेडी दो घर है तो मेरा तीसरा घर मेरे को डीएलओपी दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे को भी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिर हम दोनों ने क्या डील किया कि चल एसआरके मैं तेरे को पोजीशन दे देता हूं घर का और तू मुझे कंसिडरेशन पे कर दे, तू मुझे क्या पे कर दे, कंसिडरेशन पे कर दे। तो मैंने जो कि सेलर है उसने बायर को पोजीशन दे दिया, बायर ने सेलर को कंसीडरेशन पे कर दिया, बट सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, और सेल डीड की जगह हमने एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाया, या फिर सेल डीड की जगह हमने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह बना करके इस तरीके से किया। दिस इज कॉल्ड पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो उस केस में मैंने बताया था उस दिन बेटा कि जो बायर है, बायर बायर एसआरके, उसके केस में तो क्या माना जाएगा कि वो डीम्ड ओनर है, डीम्ड ओनर भले ही लीगल ओनर में हो, और मेरे हैंड्स में उसको ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन भी कंप्यूट करेंगे। ये मैंने बताया था, राइट 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 राइट, याद आया। तो बस यही तो केस है, इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिख दो ब्रैकेट में रेफर डीम्ड ओनरशिप, ओनरशिप अंडर सेक्शन 27 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देना। तो अगर बेटा पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इमोबल प्रॉपर्टी का, देन ऑल्सो इट शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर, और जो सेलर उसके एंड में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। तो ये आपका आ गया वहां पर ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आएगा। अब बेटा सेक्शन 47 क्या बोलता है? सेक्शन 47 बोलता है कि देर आर सम केसेस जहां पे कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट ट्रांसफर भी हो रहा है, बट कैपिटल गेन नहीं कंप्यूट करेंगे क्योंकि वो जो ट्रांसफर है वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। बात समझो बात को। सेक्शन 47 क्या बोलता है? सेक्शन 47 बोलता है कि देयर इज अ कैपिटल एसेट, सच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर, सच कैपिटल एसेट ओनरशिप चेंज हो रहा है भाई, ओनरशिप चेंज हो रहा है, बट फिर भी कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो ट्रांसफर है वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। लॉजिकली समझना, सपोज आपके डैडी ने आपको एक रेसिडेंशियल हाउस गिफ्ट किया, ठीक है, या विल में आपके नाम पे घर लिख दिया डैडी ने, तो अगर आपके नाम से एक रेसिडेंशियल हाउस उन्होंने गिफ्ट दे दिया है, विल में लिख दिया, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ट्रांसफर किया गया बेटा, क्या कैपिटल गेन अर्न करने के मोटिव से किया गया है? क्या आपके डैड वहां पे कैपिटल गेन अर्न करना चाहते, कुछ पैसा कमाना चाहते? नहीं, ये तो ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से ट्रांसफर किया है। समझा बात, मतलब ये चाहिए बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ विल। तो इसका मतलब यहां पे ना तो वो किसी तरीका गेन कमाना चाहते, ना किसी तरीका प्रॉफिट कमाना चाहते, ना कोई चीटिंग करना चाहते हैं। सिंपल से समझ में आया बात, मतलब ये चीज है। तो बेटा देखो यहां पे देखो कैपिटल असेट रेसिडेंशियल हाउस है, कैपिटल असेट यस और नो, और वो ट्रांसफर भी हो रहा है, वो ट्रांसफर भी हो रहा है, ओनरशिप डैडी से आपके नाम पे वो हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, मतलब ये चीज है। तो कैपिटल असेट भी है और ट्रांसफर भी हो रहा है, बट कैपिटल गेन शैल नॉट बी कंप्यूटेड एज इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। क्या बेटा? एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तो देयर आर सम केसेस अंडर सेक्शन 47 जो बोलता है कि एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अगर है तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो इन फॉलोइंग केसेस देयर इज अ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट है, एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट, बट द ट्रांसफर इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47, वो ट्रांसफर ही एग्जेम्प्ट है। तो कैपिटल असेट है, ट्रांसफर भी है, कैपिटल गेन्स अपने को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। ये कैपिटल गेन, इसको लिख देना नो कैपिटल गेन, ये है ना कैपिटल गेन, क्या लिख देना नो, नो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है 47 के अंदर। अंडरस्टूड? ठीक है, कौन कौन से सर, कौन कौन से केसेस है? तो देखो सबसे पहले ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। मैंने एग्जाम्पल दिया कि गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में पापा ने आपको कोई रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया, तो रेसिडेंशियल हाउस, हाउस इज अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर किया है सेक्शन 47 में, ट्रांसफर किया मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रहा है, बट वो गिफ्ट है और विल है या इनहेरिटेंस में, तो सेक्शन 47 में वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, वो ट्रांसफर एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
या इसको इस तरह से बोलते हैं एग्जाम ट्रांसफर की जगह इसको बोलते हैं वहां पे ट्रांजेक्शन, लिख देना वहां पे ट्रांजेक्शन, ये एग्जाम ट्रांसफर को जो लीगल लैंग्वेज बोलते हैं ट्रांजेक्शन, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. These are those transactions which are not regarded as transfer. उनको transfer नहीं मानेंगे. हालांकि transfer हो रहा है but transfer नहीं मानेंगे. और जब transfer नहीं मानेंगे तो capital gain compute करने की जरूरत ही नहीं है. तो पहला बेटा आता है कि अगर gift में, will में, inheritance में अगर दिया है capital asset है, transfer भी हुआ है, not regarded transfer, capital gain compute करने की जरूरत नहीं है. Understood बेटा? Second, अगर ट्रांसफर ऑफ HUF टू इट्स इंडिविजुअल मेंबर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, अमित राजपुरोहित अमित राजपुरोहित HUF है उसका मैं मेंबर हूं, तो HUF के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी पार्टीशन के टाइम पे, HUF का पार्टीशन हो रहा उस टाइम पे वो मुझे दे दी. क्या बेटा HUF अपने मेंबर को प्रॉपर्टी दे रहा है तो क्या कोई गेन अर्न करना चाहता है, कोई टैक्स प्लानिंग कर रहा है? बोलो 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 बोलो. तो बेटा यहां पे देखो कैपिटल असेट है, ट्रांसफर भी हो रहा है, बट ये ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर हो जाएगा. इसका मतलब कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे, कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे. या फिर इसका उल्टा, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय ऑफ इंडिविजुअल मेंबर इनटू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ HUF. मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी था, मैंने उसको HUF की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया. सेम यहां पे भी कोई गेन अर्न करना, कोई चीटिंग वहां पे है ही नहीं है. नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन. नेक्स्ट, ट्रांसफर बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू इंडियन अमालगमेटेड कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन. बेटा ये इंडियन अमालगमेटेड कंपनी को अंडरलाइन कर लेना. पहली बात तो समझो कि अमालगमेशन हो रहा है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो तरह की कंपनी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, इन दोनों के पास में कुछ असेट्स है, कैपिटल असेट्स है. अब इन दोनों का बेटा अमालगमेशन हो रहा है, नया कंपनी बन रहा है ए बी लिमिटेड. तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि अमालगमेशन हो रहा है, तो अमालगमेशन की ये होता है कि जो भी कैपिटल असेट है बेटा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा. अब बेटा ये जो ट्रांसफर हो रहा है क्या कोई गेन अर्न करने के लिए किया जा रहा है? बोलो, कोई चीटिंग करने के लिए किया? सर ये तो सर उनको लीगली जब अमालगमेशन हो गया तो सर उनको बाय लॉज के हिसाब से उनको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, असेट देना ही पड़ेगा. समझा कि नहीं? तो अगर वहां पे अमालगमेशन के केस में अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी को अगर ट्रांसफर करती है, इट शैल नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, बराबर है, और कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए. ध्यान रखना, आगे भी कुछ केसेस आएंगे जहां पे बोला जाएगा कि जिसको मिल रहा है वो कौन सा कंपनी होना चाहिए, इंडियन. देने वाला कोई भी हो सकता है, देने वाला फॉरन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बट जिसको मिल रहा है वो इंडियन होना चाहिए. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझो कि मान लो अगर ये इंडियन वाला बेटा यहां पे नहीं होता तो लोग क्या करते, ये कंपनी बनाया, खूब माल कमाया, खूब पैसा कमाया और पैसे से कैपिटल असेट खरीदा इन कंपनियों ने, खूब दबा के उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए, दबा के कैपिटल असेट्स उन्होंने खरीदे, खूब प्रॉपर्टी बनाया और फिर बाद में क्या किया, फॉरन के अंदर एक कंपनी बनाया एबी लिमिटेड और उसके अंदर अमालगमेटेड हो गए, ये फॉरेन का कंपनी है. अब फॉरेन का कंपनी बनाया बेटा अमालगमेशन के अंदर, उसमें कर दिया, ठीक है, तो सारा प्रॉपर्टी फॉरेन की कंपनी का हो गया, बोलो बोलो बेटा. और वो फॉरेन की कंपनी उस सारी प्रॉपर्टी को फॉरेन में ही बेच देती है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब इंडिया में तो उन्होंने टैक्स बचा लिया ना. समझा कि नहीं? तो ये चीटिंग से बचने के लिए बोला कि भाई देने वाला कोई भी हो सकता है, लेने वाला क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, लेने वाला कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए, तभी ये बेनिफिट मिलेगा. तो अगर अमालगमेशन के केस में देने वाला चाहे इंडियन हो फॉरेन हो, वो कैपिटल से ट्रांसफर करता है किसको, अमालगमेटेड कंपनी को, इंडियन अमालगमेटेड कंपनी को, तो उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे. एंड वेन देर इज नो ट्रांसफर देन नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड, बात खत्म.
लेकिन बेटा अगर ये इंडियन ना होकर के फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी है तो बेटा इसको ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन भी कंप्यूट करेंगे, जो अमलगमेटिंग कंपनीज है मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड उनके एंड्स में कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, समझा क्या? और लॉजिक भी समझ में आ गया, टू इंडियन कंपनी ओनली, तो इंडियन कंपनी को अंडरलाइन कर लेना। दूसरा, ट्रांसफर बाय अ डीमर्ज कंपनी टू इंडियन रिजल्टिंग कंपनी इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। आपको पता है व्हाट इज डीमर्जर? मैंने बताया था पीजीपी के अंदर कि एमडीएच वहां पे है, उसमें से एच अलग होकर के वहां पे एच लिमिटेड बन जाता है, दिस इज कॉल्ड डीमर्जर, राइट। अब उसके अंदर जो पुरानी वाली कंपनी है वो तो होती है डीमर्ज कंपनी, उसे क्या बोलते बेटा? डीमर्ज कंपनी। और नया वाला कंपनी बनता है उसको बोलते रिजल्टिंग कंपनी। तो ऑब्वियसली जब पुरानी कंपनी से अलग होकर नया कंपनी बनेगा, डीमर्ज कंपनी से अलग होकर रिजल्टिंग कंपनी बनेगा, तो उसको असेट्स भी देना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस और नो? क्या बेटा कोई गेन कमाने के लिए वो रिजल्टिंग कंपनी को असेट दे रही है क्या? क्या कोई चीटिंग करने की? ये तो बेटा करना ही, क्योंकि घर का बेटा अलग होकर जाएगा तो उसको सामान देकर भेजना पड़ेगा, कहने का मतलब ये चीज है। तो डीमर्ज कंपनी भी यही कर रही है। तो यहां पर कोई किसी तरह का कोई चीटिंग का मोटिव नहीं है, कोई किसी तरह का गेन का मोटिव नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई गेन रियलाइज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो इन दैट केस बेटा इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी जिसको मिल रहा है वो इंडियन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इंडियन। तो ट्रांसफर बाय अ डीमर्ज कंपनी टू द इंडियन रिजल्ट, मैंने बार बार बोला जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। वैसे ट्रांसफर बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी, अगर एक होल्डिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी 100% बेटा, इन दोनों के बीच में जो होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशन है ना, वो 100% होना चाहिए। 51% से होल्डिंग रिलेशन तो शुरू हो जाता है, बट होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन होना चाहिए वो इस केस के लिए, इस एग्जेम्पशन के लिए 100% होना चाहिए। अगर 99% भी है बेटा तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे ट्रांसफर मान के। लेकिन अगर 100% रिलेशन है और जो लेने वाला है बेटा, लेने वाला है वो इंडियन कंपनी है, ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन, अच्छा मैंने क्या लिखा, ट्रांसफर बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी। तो अगर होल्डिंग कंपनी दे रही है तो 100% इंडियन सब्सिडरी को देना चाहिए, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाए, कैपिटल गेन नहीं कंप्यूट करना है। और अगर सब्सिडरी कंपनी दे रही है तो अपनी 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी को देगी। तो लेने वाला बेटा दोनों केस के अंदर क्या होना चाहिए? इंडियन। क्या होना चाहिए? इंडियन। और रिश्ता 100% का होना चाहिए। तो चाहे अमलगमेशन का केस हो बेटा, चाहे डीमर्जर का केस हो, चाहे होल्डिंग सब्सिडी केस हो, जो जिसको रिसीव हो रहा असेट वो क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। और लॉजिक मैंने बता दिया क्यों इंडियन कंपनी, क्योंकि चीटिंग ना हो पाए। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड का वहां पे क्या हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का अमलगमेशन हो रहा है, ठीक है, दो अलग अलग कंपनी थे। अब बात समझना कुछ इस तरीके से, सपोज मैं बी लिमिटेड का शेयर होल्डर था, मिस्टर एआरपी जो कि बी लिमिटेड का क्या था, शेयर होल्डर। मेरे पास में इसके 1000 शेयर्स थे। अब वो जो शेयर्स मेरे पास में थे वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट है। शेयर्स आर कैपिटल असेट, मानते हो कि नहीं मानते बेटा? ठीक है, अब देखो बात समझना, जब ए और बी का अमलगमेशन हो गया फिर ये कंपनी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया दोनों, और ये शेयर्स भी बेसिकली देखा जाए तो खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो इसमें तो मेरा नुकसान हो क्या, बेटा? नहीं, मुझे नए शेयर्स मिलेंगे, कौन सी कंपनी के, एबी लिमिटेड के। तो जब ये शेयर्स के, तो इसके बदले मुझे इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स 1000 शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड। ये भी क्या है बेटा, ये भी एक कैपिटल असेट है। अब आप देखोगे बेटा, जब मैंने ये शेयर सरेंडर किए, खत्म नहीं किए, मतलब ये शेयर जब मैंने सरेंडर किए बेटा, जो कि कैपिटल असेट था, उसके बदले मेरे को नए शेयर्स मिले जो कि कैपिटल असेट है, तो ये तो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट हो गया। बोलो बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट, यस और नो? पुराने शेयर्स देकर के नए शेयर्स मेरे को मिल गए, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट। और आपको पता है कि एक्सचेंज शेयर्स इज अ कैपिटल असेट, एक्सचेंज इज ऑल्सो ट्रांसफर, लेकिन वी विल नॉट कंप्यूट कैपिटल गेन्स। जो ओल्ड शेयर्स मैंने ट्रांसफर किए, कैपिटल गेन नहीं कंप्यूट करेंगे। रीजन क्या, एक बात बताओ बेटा, ओल्ड शेयर्स मैंने जानबूझ के वॉलंटरली ट्रांसफर किए हैं क्या?
ये तो मुझे करना ही है क्योंकि दो कंपनी अमालगमेट हो रही है, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं रख के कुछ नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये चीज है। तो इसलिए ट्रस्ट तो ना मेरा कोई प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, ना मैंने वॉलंटरीली उसको बेचा, वॉलंटरी ट्रांसफर किया, समझ में आया? तो दैट इज वाई जो ओल्ड शेयर्स मैंने दिए हैं बदले में न्यू शेयर्स मिले, ये एक्सचेंज भले ही ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, बट इट शैल नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन शैल नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। अंडरस्टूड बेटा? समझा समझा समझा? ठीक है। तो एक्सचेंज बाय शेयर होल्डर्स शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी फॉर शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, या फिर एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि मेरे पास में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे या प्रेफरेंस शेयर्स थे, अब कंपनी ने क्या बोला कि जितने भी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपनी ने बोल दिया, कंपलसरी बोल दिया कि जितने भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर्स है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, हम उनको इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं, कहने का मतलब ये चीज है। और ये कंपलसरी है क्योंकि नाम ही उनका कन्वर्टेबल डिबेंचर है, नाम ही उनका कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कंपनी कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, समझ में आ रहा बात, मतलब ये चीज है। तो कंपनी ने बोल दिया कि जिनके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर डिबेंचर वापस दो हमको, हम शेयर देंगे। ये भी एक तरह से क्या हो गया कि भाई डिबेंचर देकर के शेयर ले रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर देकर के इक्विटी शेयर ले रहा हूं, समझ में आ रहा है बात बेटा ये चीज। तो मेरे पास में जो पहले था वो भी कैपिटल असेट था, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर बोलो 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 बोलो, बदले में भी मेरे को कैपिटल असेट मिल रहा है, यस ऑन दो। तो ये भी क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट। लेकिन क्या यहां पर मेरा मोटिव जो मैं डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं कंपनी को, क्या मोटिव वहां पे प्रॉफिट कमाना है, क्या नहीं करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस। दैट इज वाई कैपिटल असेट है डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, एक्सचेंज हो रहा है ट्रांसफर, बट इट शैल नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया क्या? हाँ, बेटा ये जो कैपिटल असेट मिसेज जीएस की जीजी जो भी था ट्रांसफर, और ये एक बार फटाफट इसको क्विक रिकैप कर लो। सो लाइक दीज आर द केसेस वेयर कैपिटल असेट विल बी देयर, ट्रांसफर विल बी आल्सो देयर, बट द ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, देन नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं करना है, समझा बात, मतलब कैपिटल गेन कंप्यूट भी नहीं करना है। ओके, आगे बेटा आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। तो बेटा इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल असेट। अगर बेटा कैपिटल असेट, देखो जनरली दो तरह कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अच्छा, इससे पहले समझो व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग है होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट को आपने असेट एक्वायर किया है उस डेट से लेकर के जब आपने असेट को ट्रांसफर किया, डेट ऑफ ट्रांसफर, ये जो पीरियड होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये जो पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ये डेट जिसने आपने अक्वायर किया है और जिस डेट को असेट ट्रांसफर हुआ है, जिस असेट क्या, देखो बेटा सेक्शन 47 वाले अभी जो हमने केसेस पढ़े इसमें ट्रांसफर तो हो रहा है, बट ट्रांजेक्शन वहां पर ट्रांसफर मान नहीं रहे, तो इसका मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर फिर वो नहीं होगा, कहने का मतलब जब एक्चुअली ट्रांसफर होगा एज पर सेक्शन 247 एंड वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो उस केस में जो डेट ऑफ ट्रांसफर होगा वही अपने को लेना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर। अंडरस्टूड, यस और नो? तो बेटा ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब कितने टाइम तक आपने उस असेट को होल्ड करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अंडरस्टूड, डन। अब देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ असेट्स दे रखी है, कि अगर कैपिटल असेट है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, या फिर ये कॉमा कर दे, लिस्टेड सिक्योरिटीज है। लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या आती है बेटा, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, वो भी सिक्योरिटीज है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में आप लिखना चाहो तो लिख दो शेयर्स लिस्टेड होना चाहिए, डिबेंचर्स लिस्टेड होना चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज है। तो लिस्ट अगर आपके पास में लिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसे कि मेरे पास में रिलायंस के शेयर्स है, रिलायंस के डिबेंचर्स है तो लिस्टेड है, अडानी के शेयर्स है, डिबेंचर लिस्टेड है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज है आपके पास में, या फिर आपके पास में यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बराबर उसकी यूनिट्स है, या फिर आपके पास में यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड? इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है म्यूचुअल फंड इन विच
more than 65% is invested in equity shares. Do you know what is the concept of mutual fund? Do you know the concept of mutual fund? ठीक है कि भाई small investors मिलकर के fund में पैसा deposit करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम एसआईपी के थ्रू काफी लोग होते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं। जो देखो एक शेयर आता है एमआरएफ जो कंपनी है एमआरएफ टायर्स का, उसका शेयर ऐसा बोलते हैं को 90,000 के आसपास का एक शेयर है, कहने का मतलब। तो अगर मेरे को वो एक शेयर लेना है बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास में तो 5,000 रुपीज मुश्किल से मंथली बचता है, तो एक साल पैसा इकट्ठा करूंगा तब जाके एक शेयर मिलेगा, समझा बात मतलब ये चीज है। और वो भी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, 5,000 एवरी मंथ मैं म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर देता हूं। वो म्यूचुअल फंड ऐसा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मार्केट में मतलब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा, आई विल बी ट्रीटेड एज यूनिट होल्डर। मेरे पास में उस म्यूचुअल फंड की क्या बेटा, यूनिट है, तो मैं यूनिट होल्डर कहलाऊंगा वहां पे। तो अगर मान लो मैंने एक म्यूचुअल फंड के अंदर, के एआरपी ने म्यूचुअल फंड के अंदर ठीक है इन्वेस्ट किया, तो मैं कहलाऊंगा यूनिट होल्डर। अब उस म्यूचुअल फंड का मोर देन 65% इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड का इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड है, तो बेटा वहां पे मेरे पास में जो यूनिट्स होगी ना, उन यूनिट्स को क्या बोलेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलेंगे उसको। मेरे पास में जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी, वो जो फंड को, उस फंड को बोलेंगे, एक मिनट, उस फंड को बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड। दिस इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड। वैसे ही अगर बेटा एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर डेट के अंदर, डिबेंचर्स वगैरह के अंदर, तो उसको बोलेंगे डेट ओरिएंटेड फंड। बट क्योंकि 65% से ज्यादा इक्विटी शेयर, तो इसको बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और मैं कहलाऊंगा मेरे पास में जो, उनको बोलेंगे यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो वो भी देखो, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स में, और म्यूचुअल फंड जनरली जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है वो लिस्टेड होती है, आपको बता दूं मैं, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इशू करनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड की यूनिट जो होती है लिस्टेड होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास में लिस्टेड सिक्योरिटीज है या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या एक और लिख देना बेटा जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB जीरो कूपन बॉन्ड है आपके पास में, ZCB जीरो कूपन बॉन्ड है आपके पास में, यू हैव, फिर से बोलता हूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, सिर्फ शेयर्स नहीं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, शेयर्स डिबेंचर लिस्टेड होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। और उस केस में अगर बेटा वो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर वो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 12 मंथ्स, इफ ट्रांसफर विद इन 12 मंथ्स, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स हो गया, ठीक है, तब तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो देखो ये आपके पास में, इधर जान दो, आपके पास में लिस्टेड सिक्योरिटीज है या फिर आपके पास में यूनिट्स ऑफ यूटीआई है या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या फिर आपके पास में जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनमें से कोई भी एसेट है, और आपने ये डेट को खरीदा था, ये डेट को बेच रहे हो, और ये जो पीरियड है, अगर वो पीरियड अप टू 12 मंथ्स है, एग्जैक्ट 12 मंथ्स भी हुआ तो भी चलेगा, अप टू 12 मंथ्स है, तब तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और उससे जो गेन होगा वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर वो बेटा एक्सीडिंग 12 मंथ्स है, ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीडिंग 12 मंथ्स है, तो जो असेट होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और जो गेन होगा वो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। डन बेटा, समझ में आया बात मतलब। सो इफ यू हैव लिस्टेड सिक्योरिटीज, इफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, देन आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स का चेक करना, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक्सीडिंग 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अंडरस्टूड बेटा? सेकेंड आता है आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स है या फिर आपके पास में इमोबल प्रॉपर्टी। सेकेंड, इफ यू हैव अनलिस्टेड शेयर्स ओनली, सिक्योरिटीज नहीं, यहां पे लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स है। अब वो अनलिस्टेड बेटा इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, यहां पे शेयर्स इक्विटी प्रेफरेंस हो सकते हैं लेकिन लिस्टेड होने चाहिए, डिबेंचर लिस्टेड होने चाहिए। लेकिन इधर क्या बोलता बेटा, सिर्फ शेयर्स मतलब इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, अनलिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, इमोबल प्रॉपर्टी,
इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ. सो इफ यू हैव असेट अनलिस्टेड शेयर्स या फिर लैंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, तो उस केस में बेटा शॉर्ट टर्म अगर वहां पे ट्रांसफर हुआ है विद इन 24 मंथ्स, अदरवाइज लॉन्ग टर्म. तो बेटा इस केस में देखो, अगर आपके पास में असेट, देखो ये लिस्टेड सिक्योरिटीज की असेट क्या हो जाएगा, अनलिस्टेड शेयर्स. इफ यू हैव अनलिस्टेड शेयर्स ओनली, शेयर्स या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, IMP, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड बिल्डिंग और बोथ, तो उस केस में ये डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर, ये जो पीरियड अगर एग्जैक्ट 24 मंथ्स या अप टू 24 मंथ्स है तब तो शॉर्ट टर्म, और अगर ये 24 मंथ्स से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो पहला कैटेगरी 12 मंथ्स का, दूसरा कैटेगरी 24 मंथ्स का, तीसरा कैटेगरी आ जाता है थर्ड कैटेगरी, इफ यू हैव अदर असेट अदर देन दीज टू. तो अगर आपके पास में अनलिस्टेड डिबेंचर है, लिस्टेड डिबेंचर इधर आ जाएगा, अनलिस्टेड डिबेंचर है वो इधर आएगा. आपके पास में कोई पेंटिंग है, आपके पास में कोई गोल्ड है, आपके पास में कोई डेप्रिशिएबल असेट का, तो मतलब हाँ डेप्रिशिएबल असेट है, कोई डेप्रिशिएबल असेट है, ठीक है कि भाई कोई डेप्रिशिएबल असेट बिल्डिंग वगैरह है, कुछ भी है, ये इमोबल प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग में बहुत आता है, लेकिन उसके केस में अगर डेप्रिशिएबल असेट है, हाँ सॉरी बिल्डिंग इधर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई अगर डेप्रिशिएबल असेट प्लांट या मशीनरी फर्नीचर वगैरह, तो उस केस में फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका हो जाएगा 36 मंथ. गुडविल हो गया, राइट, इवन राइट, राइट इज अ कैपिटल एसेट, वो भी इधर आ जाएगा. चाहो एग्जांपल चाहो तो लिख देना, डिबेंचर, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, गोल्ड, पेंटिंग, सिल्वर, ज्वेलरी, ठीक है, डेप्रिशिएबल असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे 36 मंथ में. तो अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म. तो ये देखो, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, अदर्स के केस में बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा 36 मंथ. ये 24 की जगह कितना हो जाएगा, 36 मंथ, तब तो शॉर्ट टर्म, और अगर वो एक्सीडिंग 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. समझा बेटा? तो तीन कैटेगरीज असेट्स का, पहला लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड. इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ तब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज एक्सीडिंग 12 मंथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अंडरस्टूड? राइट. अगर वहां पे आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स, ओनली शेयर्स है अनलिस्टेड, या फिर आपके पास में इमोबल प्रॉपर्टी है, अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म एंड मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म, ठीक है. आपके पास में अदर असेट है, अदर असेट के अंदर अनलिस्टेड डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, कोई क्या अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो गए, ठीक है. इसके अलावा वहां पे आपका कोई कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, राइट हो गया, ठीक है. ये सारे के सारे बेटा अप टू 36 मंथ अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है तब तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म. क्योंकि देखो आप लॉजिकली भी समझो बेटा, जो लिस्टेड शेयर्स है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यूनिट्स वगैरह बेसिकली वो भी लिस्टेड है, तो उनके प्राइसेस का फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी हो जाता है. बात समझो, 12 मंथ्स का पीरियड में तो मार्केट कहां कहां पहुंच जाता है, समझ में आ रहा है बात? मतलब ये दैट इज वाई 12 मंथ्स प्रॉपर्टी फ्लक्चुएशन तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे पकड़ता है, तो 24 मंथ्स. वैसे अनलिस्टेड शेयर्स भी भले ही वो लिस्टेड नहीं होता लेकिन उसका मार्केट वैल्यू भी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, वैल्यूएशन होगा वहां पे. और बाकी जो असेट्स है, भाई पेंटिंग है तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम साल दो साल के अंदर उसका वैल्यू डबल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है, समझ में आ रहा बात? मतलब ये चीज है, तो इसलिए वो सब तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, 36 मंथ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, और उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म. अब आता है बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको कैसे निकालना, ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है बेटा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में आपको इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा. और वो इंडेक्सेशन कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला दे रखा है. जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया है उसको मल्टीप्लाई करोगे इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर. क्योंकि हमको आज की वैल्यू में लाना है, मतलब 2021 की वैल्यू में लाना है, तो आज की वैल्यू हम वहां पे ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखेंगे जिस साल में आपने परचेज किया है. सिंपल सी बात है ना, अगर 100 रुपए में आपने कोई असेट परचेज किया था इन 2001-2002 में, तो भाई ये वैल्यू 2001-2 की है तो उसको मैं नीचे लिख दूंगा,
और इसको आज की वैल्यू में लाना है, मतलब 2020-21 को ऊपर लिख दूंगा, तभी तो आज की वैल्यू में 100 रुपए आएगा। समझ में आया क्या बेटा? डन। तो इस तरीके से आपको इंडेक्सेशन करना है। और इंडेक्सेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो होता है बेटा, वो बड़ा लंबे पीरियड तक आपने होल्ड कर रखा है, तो 100 रुपए का 2012 का वैल्यू 2020-21 में आज भी 100 रुपए नहीं होगा, इसलिए हम उसको आज की वैल्यू में लेकर के आएंगे। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। दूसरा आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कि भाई सिमिलरली जो आपने इंप्रूवमेंट का कॉस्ट कर रखा होगा, जो खर्चा कर रखा होगा, वो भी तो आपने किसी और साल में किया होगा। सपोज आपने 50 रुपए का इंप्रूवमेंट कर रखा है और ये किया था आपने 2005-06 के अंदर, तो डिनोमिनेटर फिर उसको आज की वैल्यू में लाना पड़ेगा 2020-21 के अंदर। इस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। समझ में आया बेटा? तो ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये क्लियर हो गया वहां पे आपको? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, यहां पे ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब आप जनरली क्या लेते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हो। जनरली क्या लेते हो? कॉस्ट ऑफ बेटा क्या लेते हो? एक्विजिशन लेते हो। और वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया था, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। लेकिन देखो, ये जो इंडेक्स वैल्यू है ना, जो सीआईए दे रखा है, इसका बेस ईयर है 2012, मतलब इसके पहले का अपने पास में इंडेक्स नंबर नहीं है। इसके पहले का जो इंडेक्स नंबर नहीं है, 2012 इज द बेस ईयर, ये अपने पास में इसके पहले, मतलब 99-2000 का बोला जाए तो अपने पास में नहीं है। तो बेटा अगर कोई असेट 99-2000 में खरीदी गई है, सपोज ये असेट 99-2000 में खरीदी गई 100 रुपए में, तो जब हम यहां पे तो 100 लिख देंगे, लेकिन जब यहां पे डिनोमिनेटर में 99-2000 का वैल्यू लिखने जाएंगे, तो वो अपने पास में नहीं होगा। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या ये चीज? तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि ऐसी सिचुएशन में आप एक काम करो, कि आपने 99-2000 में असेट खरीदा था, उसका जो भी कॉस्ट था, जो भी कॉस्ट था, तो चलो उसका कॉस्ट था 100 रुपीज। कितना बेटा उसका कॉस्ट था? 100 रुपीज। उस 100 रुपीज को आप कंपेयर कर लो 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू। तो ये देखो, ये 99-2000 ये खरीदा था आपने 99-2000 के अंदर खरीदा था 100 रुपए में, और उस असेट का जो मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का था, सपोज 110 रुपए था। आप इनमें से दोनों में से ले लो विच एवर इज हायर। ये उल्टा भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर असेट्स है तो उस केस में ये 110 ही होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया बात? मतलब ये तो आप क्या ले लो, जो भी एक्चुअल कॉस्ट था, जब भी आपने खरीदा था वो कॉस्ट, कभी भी 2001-2 से पहले जब कभी भी खरीदा था वो कॉस्ट ले लो, और उसे कंपेयर करो एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर ले लो। तो बेटा हायर कितना आया? 110 आया। तो जब 110 आया तो उसका हम इंडेक्सेशन करेंगे, तो यहां पे तो 2021 में आ जाएगा, और नीचे बेस ईयर, क्योंकि हमने एफएमवी ले लिया एज ऑन 1 अप्रैल, भले ये 90 में होता तो हम 100 लेते, तो उस केस में भी ऐसा ही करते, उस केस में भी ऐसा ही करते, डिनोमिनेटर में यहां पे 2001-2 जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर ले लेंगे। तो सपोज यहां पे एग्जांपल 110 इनटू करंट ईयर का, ये देखो करंट ईयर का कितना है, 301 है, ये देखो करंट ईयर का 301 है, और 2001-2 का 100 है, बेस ईयर स्टार्ट होता, तो इनटू 301 डिवाइड बाय 100। अगर आप करते हो 110 इनटू 301 डिवाइड बाय 100, तो बेटा वैल्यू आ जाता है 3311। देखो मतलब 2001-2 के 110 रुपए का आज वैल्यू है 3311। तो इससे एसएससी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो मेरे को बेटा। अगर इंडेक्सेशन नहीं करते तो एसएससी का नुकसान होता, गलत हो जाता उसके साथ, बेचारे के सामने गलत हो जाता, इसलिए इंडेक्सेशन करते हैं। समझे आप बात को? समझा ना बात? क्लियर नहीं ये चीज? तो देखो, अगर आपने असेट अक्वायर किया था ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तब तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही ले लो, और जिस साल में आपने अक्वायर किया उस साल का सीआईए आप डिनोमिनेटर में लेकर के और मल्टीप्लायर में करंट ईयर का वैल्यू लेकर के आप कहानी खत्म करो। लेकिन अगर बेटा आपने वो अक्वायर किया था बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो जो भी उसका कॉस्ट था वो और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर लेकर के जब इंडेक्सेशन करोगे, तो उस केस में डिनोमिनेटर में जो बेस ईयर है
बेस ईयर का सीआईए इज 100, कितना है बेटा 100, वो लिख दो बस बात खत्म, कहने का तो करंट ईयर का 30, ये कम से कम दो याद रखना है आपको, बेस ईयर 2001-2 का 100 और करंट ईयर 2020-21 का कितना है 301, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दे रखा होता है। डन 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 डन, ठीक है ओके। अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट क्या है कि बेटा मान लो ये जो असेट 1st अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है, बिफोर 1st अप्रैल 2001, ये लैंड है या बिल्डिंग है या बोथ है, लैंड बिल्डिंग बोथ, मतलब इमोबल प्रॉपर्टी है, तो इमोबल प्रॉपर्टी केस में बेटा हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, लेकिन आज तक यहां पे वर्ड एफएमवी यूज करते थे, तो भले स्टैम्प ड्यूटी होता भी था कि मान लो सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है बेटा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सपोज वो 90 है या जो भी है, कहने का मतलब उसको इग्नोर कर देते थे आज तक, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी देखो क्या बोलता है, इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ द एफएमवी ऑफ सच असेट ऑन 1st अप्रैल 2001 शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ इट इज अवेलेबल एज ऑन 1st अप्रैल 2001। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो नहीं लेना है, लेकिन क्या बोलता है कि सपोज यहां पे लैंड बिल्डिंग बोल दो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 120, कितना बेटा 120, तो क्या बोलो और एफएमवी कितना 110, तो 100 और 110 विच एवर इज आयर 110 ले लोगे आप, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 1st अप्रैल शैल नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना 120, उससे ज्यादा है ही नहीं फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन सपोज आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 है बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना 105 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इन दोनों कंपेयर करोगे, पहले 110 और 105, तो ये 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 105 हो जाएगा, ठीक है, और 105 और 100 विच एवर इज हायर, मतलब 105 आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया बात बेटा यहां पे? सो व्हेनेवर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर, तब तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू डायरेक्टली ले लो, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, लाइक 105 है, फेयर मार्केट वैल्यू 110 है, तो फेयर मार्केट वैल्यू वो ज्यादा नहीं हो सकता, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो फिर 105 वो आ जाएगा आपका फेयर मार्केट वैल्यू 110 है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 105 और 100 विच एवर इज वॉट हायर, अंडरस्टूड बेटा? फिर 105 ले लोगे मल्टीप्लायर में 301 और वहां पे आप उसको डिवाइड कर दोगे 100 से, अंडरस्टूड बेटा? समझा क्या? सो दिस इज अमेंडमेंट, अच्छे समझना जरूरी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो ये सीआईए नंबर देगा, क्वेश्चन के अंदर जनरली दे रखा होगा आपका, जिस साल का भी इंडेक्स है वो दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, इंप्रूवमेंट बिफोर 1st अप्रैल 2001 होता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई एक्वेशन हुआ है तो वो तो हमने ले लिया, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट बिफोर 1st अप्रैल 2001 अगर होता है तो उसको इग्नोर कर देते। क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हैं, इंप्रूवमेंट को क्यों इग्नोर करते हैं? सिर्फ बिफोर 1st अप्रैल 2001 का इंप्रूवमेंट है, उसके बाद में लिया उसको कंसिडर करेंगे, बिफोर वाला क्यों हम इग्नोर करेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एफएमवी नहीं होगा ना, समझो बात को। वेट, सपोज बेटा मैंने एक घर बनाया, जैसा भी ये घर है मेरा, ये मेरा घर बनाया एक मैंने, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, और ये ग्राउंड फ्लोर मैंने बनवाया था 94-95 के अंदर, 94-95, ठीक है। तो उस केस में मेरा बेटा कॉस्ट था 1 लाख रुपीस। अब मैं उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करवाता हूं, फर्स्ट फ्लोर बनवाता हूं, फर्स्ट फ्लोर इनटू 98-99 के अंदर, तो उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट, ये तो एक्वेशन कॉस्ट हो गया, जो इंप्रूवमेंट, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर इंप्रूवमेंट कॉस्ट होगा सपोज 10,000, ठीक है, हो गया। फिर एक सेकंड फ्लोर और बनवा दिया मैंने 99-2000 के अंदर,
उसका इंप्रूवमेंट कॉस्ट था ₹50,000। अब अगर मैं बोलूं बेटा कि आपको जब क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट, सपोज कॉस्ट निकाल रहा, तो कॉस्ट के केस में क्या कहते हो, पहला आप लेते हो एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट है ₹1,00,000। दूसरा आप लेते हो एफएमवी, सपोज जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अप टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है, एफएमवी लेते हो। तो बेटा एफएमवी सपोज ₹5,00,000 है, सपोज योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ₹6,00,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना बेटा ₹6,00,000, एफएमवी इज ₹5,00,000, तो बस, तो ₹1,00,000 और ₹5,00,000 व्हिच एवर इज हायर, तो बेटा आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹5,00,000 हो जाएगा। बोलो बेटा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, बोलो बोलो बोलो। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो ₹5,00,000 आपने कॉस्ट लिया है, क्या ये सिर्फ आपका ग्राउंड फ्लोर का है या पूरे घर का है फेयर मार्केट वैल्यू? अगर आपने जो कॉस्ट लिया है, जो मार्केट वैल्यू होता है, वो मार्केट वैल्यू पूरे घर का होगा या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है बेटा? फुल हाउस का होता है ना बेटा। तो एक बात बताओ, जब आपने फुल हाउस का मार्केट वैल्यू ले लिया, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट जितने भी किए वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए? समझाना बात मतलब। तो जो 1 अप्रैल 2001 का हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं ना ऑलवेज, उसके अंदर उससे पहले जितने भी इंप्रूवमेंट हुए हैं वो सारे के सारे आ गए। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने गोल्ड परचेज किया, गोल्ड गोल्ड, ठीक है, 10,000 का मैंने गोल्ड, 10,000 गोल्ड परचेज किया, तो और वो 94-95 में मैंने परचेज किया, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट हो गया 10,000। देन आई वेंट टू अ ज्वेलर, मैंने बोला इसका गोल्ड रिंग बनाने का है, उसने गोल्ड रिंग बनाया, गोल्ड रिंग बनाने का ₹5,000 चार्ज किया, दिस इज इंप्रूवमेंट। बोलो 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 बोलो। तो 10,000 का मैंने गोल्ड खरीदा, 5,000 का मैंने बाद में रिंग बनवाया, वो इंप्रूवमेंट है। फिर बाद में फिर से 98-99 में एक ज्वेलर के पास गया, मैंने कहा इसमें एक डायमंड लगा दो, ₹10,000 का डायमंड लगा दिया वहां पे। अब बेटा वहां पे कॉस्ट गोल्ड की दे रखी है, जो आपने 94-95 में परचेज किया था 10,000 में, लेकिन 1 अप्रैल 2001 का एफएमवी किसका देखोगे, गोल्ड का देखोगे या रिंग का देखोगे आप? और रिंग भी डायमंड रिंग का देखोगे पूरा का पूरा, यस और नो? तो जो डायमंड रिंग का मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को, दिस इज ₹4,00,000। तो आप कॉस्ट क्या लेते हो, 10,000 कॉस्ट और ₹4,00,000 विच एवर इज वॉट हायर। बेटा ये जो मार्केट वैल्यू है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट जो जो किया, डायमंड लगवाया, रिंग बनवाया, वो सब इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज वाई अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2001, इट शैल बी इग्नोर्ड। अंडरस्टूड? लॉजिक समझ में आ गया आपको? ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा क्या हो जाता है, क्योंकि वो फेयर मार्केट वैल्यू में आ जाता है, तो उसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स को इन्फ्लेशन, ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि भाई बेसिक ऑफ चार्ज वगैरह क्या है, जनरल, देखो ये रूल, जनरल रूल क्या बोलता है, ईयर ऑफ टैक्स इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ टैक्स बेटा क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। हाउएवर देयर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस रूल जो हम डिस्कस करेंगे। जनरली जिस साल में आपने ट्रांसफर किया, उसी साल में आप लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो। जिस साल में आपने ट्रांसफर किया, उस साल में आप कैपिटल गेन क्या करते हो बेटा, कंप्यूट करते हो। बट इसके इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला वाला एक्सेप्शन ये आ गया, सेक्शन 45(1)(a), डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल असेट। आपकी कैपिटल असेट थी वो डिस्ट्रक्ट हो गई, क्या हो गई बेटा, डिस्ट्रक्ट हो गई। कैसे डिस्ट्रक्ट हो गई, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। कुछ नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक आ गया, या अभी ये साइक्लोन आया था, उसके अंदर मतलब आपकी कैपिटल असेट नष्ट होगी, खत्म हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज, सिविल राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, उसके अंदर नष्ट हो गई। एनिमी अटैक, पाकिस्तान अटैक कर देता है, मान लो कि मिसाइल विसाइल छोड़ देता है, उसकी वजह से वो आपकी फैक्ट्री में आगे गिर जाता है, तो उसकी वजह से वो नष्ट हो जाता है। समझ में आता है बात, मतलब ये चीजें, ठीक है। या फायर एक्सप्लोजन, आग लग गई, उसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी नष्ट हो गया। दीज आर द 4 रीजन। पहला नेचुरल कैलामिटीज, फायर एक्सप्लोजन, ठीक है, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, एंड लास्ट में आता है एनिमी अटैक। एनिमी अटैक, दीज आर द 4 केसेस, ओनली दीज आर द 4 केसेस। पहला, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा फायर एक्सप्लोजन, ठीक है। तीसरा रायट्स और सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से, और चौथा आता है एनिमी अटैक की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया।
और उस केस में बेटा आपको मिला इंश्योरेंस कंपनसेशन. क्या मिला? इंश्योरेंस कंपनसेशन. ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा. बोलो सर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ, हो गया ना बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब आपका याद आया शेयर की ईसीजी, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट, राइट सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया. तो हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे. ठीक है, देखो नॉर्मली कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड ओनली इफ देयर इज अ ट्रांसफर. इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर इज नो ट्रांसफर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, द असेट शुड एग्जिस्ट. एसेट होना चाहिए तभी तो ट्रांसफर करेंगे, ऐसा पहले मानते थे. द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन अ कैपिटल एसेट, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन द कैपिटल एसेट इटसेल्फ एक्सटिंग्विश, हेंस डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर, देयरफॉर नो कैपिटल गेन. ये पहले सिचुएशन थी. अभी देखो, हाउएवर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 45(1)(a) कैपिटल गेन्स विल बी कंप्यूटेड इवन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड द डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, दैट इज नरफी बोलो या नफरी बोलो, नेचुरल क्लैमिटीज, राइट्स और सिविल डिसबिलिटीज, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन और एनिमी अटैक. सिर्फ ये चार रीजन की वजह से. तो अगर ये चार रीजन की वजह से कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, दिस शैल बी ट्रीटेड एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन अ कैपिटल एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट इन अ कैपिटल एसेट, राइट वहां पे सीजेस टू एक्सिस्ट होगी. सिर्फ इन चार केस में. किसी और वजह से अगर नष्ट हुआ है तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इन चार केस में हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे. तो जब कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो अपने को डिटेल चाहिए रहेगा. देखो जनरली इफ इफ द डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू अदर रीजन देन कैपिटल गेन इज नॉट कंप्यूटेड. तो नरफी, ठीक है, नरफी या नफरी जो भी बोलो, नेचुरल क्लैमिटीज, ठीक है, फायर एक्सप्लोजन और एक्सीडेंटल फायर, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस एंड एनिमी अटैक, इन चार की वजह से हुआ है हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे. तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, ईयर ऑफ टैक्स इज ईयर ऑफ ट्रांसफर. नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स क्या होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर. हाउएवर इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ईयर ऑफ टैक्स, क्योंकि देखो जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है अगर आप वो ईयर ऑफ ट्रांसफर हो गया, लेकिन उस साल कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपके पास पैसा आया ही नहीं है. तो ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा बेटा? कैपिटल गेन कंप्यूट कब करोगे? ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम मिला उस साल कैपिटल कंप्यूट करोगे. और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेना है? अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लेना है. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना बेटा बात को, इधर ही लिख देना जगह है. एग्जांपल लेते हैं, सपोज फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड, इन a fire explosion in the previous year 2019-20 के अंदर fire explosion में खत्म हो गया. क्या condition satisfy हो रहा है? Yes sir, capital asset है factory, ठीक है, fire basically explosion में हो रहा है, तो अपने को 45(1)(a) के हिसाब से capital gain compute करना पड़ेगा. लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920, लेकिन कोई किसी तरह कंपनसेशन मिला ही नहीं है, तो इस साल आप लोग करना नहीं है. इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसी रिसीव्ड कंपनसेशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. फैक्ट्री वॉज अक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर 2009-10 फॉर रुपीज 10 lakh. तो एक बात तो तय है बेटा कि ये फैक्ट्री कैपिटल असेट है, उसको वहां पे फायर एक्सप्लोजन में खत्म हो गया, मतलब ये राइट सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, कैपिटल असेट ट्रांसफर हो गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में. तो यहां पे आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा. तो कंप्यूट कैपिटल गेन. अब ये कौन से ईयर में कंप्यूट होगा, ये एक सवाल आता है. तो देखो सबसे पहले मुझे आप कुछ आंसर करना. पहला मुझे बताना बेटा, वॉट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर? ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या बेटा?
ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या 1920, मतलब जिस साल में फैक्ट्री क्या हुआ है, राइट सीजेस टू एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 1920। बेटा मुझे बताओ कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे, ईयर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ईयर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कौन से ईयर में बेटा, 2021, जिस साल में आपको इंश्योरेंस कंपनी मिला है, तो प्रीवियस ईयर 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22। तीसरा, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बेटा, 50 लाख इंश्योरेंस कंपनी जितना मिला है, तो ₹50 लाख इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। फोर्थ आता है बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक होगा बेटा, फैक्ट्री का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक होगा, 2009-10 to 1920। बेटा हम कैपिटल गेन तो 2021 में कंप्यूट कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डोंट यू थिंक 2021 तक होगा, वी आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन प्रीवियस 2021, तो डोंट यू थिंक क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 2021 तक होगा, क्या बोलते हो बेटा, नाइनटीन ट्वेंटी तक क्यों होगा, हाँ वेरी गुड, इन 2021 वी आर जस्ट रिसीविंग कंपनसेशन, और वो एक्सेप्शन है कि भाई जनरल रूल बोलता है ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स लगता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स न लग करके जिस साल में कंपनसेशन मिलेगा उस साल में आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा। बेटा एक बात समझ लो, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑलवेज डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर होता है, डजंट मैटर आप कैपिटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो, अंडरस्टूड। तो इस केस में आपका जो डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं मतलब ईयर ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, तो बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक होगा, तो 2009-10 to 2019-20 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो बेटा ये असेट लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, फैक्ट्री है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है बेटा, नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लाइक मच मोर, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगा, कुछ और रह गया क्या, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, सिंपल है, 10 लाख रुपीज जितने में खरीदा था। अब देखो, अब बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करना, अगर आप कंप्यूट करते, मैं यहां लिखता हूं सपोज कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये कंप्यूट हो रहा है उसी साल में जिस साल को आप कंपनी मिले, तो यहां पे ईयर वही लिखना है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, ईयर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से नहीं, जिस साल मिला उस हिसाब से कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो है ₹50 लाख, वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो ट्रांसफर एक्सपेंस, तो ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ भी नहीं है तो नील आ जाएगा, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, 50 लाख। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, कितने में खरीदा था सर, 10 लाख में खरीदा था, इनटू, अच्छा कब खरीदा, 2009-10 के अंदर, तो 2009-10 के अंदर खरीदा था बेटा, तो 2009-10 का आपका इंडेक्स नंबर क्या है, 2009-10 का इंडेक्स नंबर है 148, तो इन डिवाइड बाय 148, और ऊपर बेटा 301 आ जाएगा, करेक्ट, कितना अमाउंट आएगा जरा बताना कैलकुलेट करके,
20,33,783 एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 में से लेस कर दोगे तो सम 29 लाख समथिंग कुछ आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, समझ में आया बेटा? लेकिन आपने गलत कर दिया। अब ये देखो कहां गलत किया आपने, कहां गलत किया आप, बेटा वो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला जरा देखो तो क्या बोलता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या किया आपने बताओ जरा। सर डिनोमिनेटर में तो 148 एकदम करेक्ट है, लेकिन जो मल्टीप्लायर में 301, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं फ्लो में, हम कैपिटल कंप्यूट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 में, तो हमने उस साल का लिया नहीं बेटा, वो आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर। देखो यही तो ध्यान रखने वाली बात है कि कैपिटल गेन हम किसी और ईयर में कंप्यूट कर रहे हैं, बट यू कैन नॉट डिनाई कि ये ट्रांसफर 1920 में हुआ था, और अपने को जब इंडेक्सेशन करेंगे तो फिर वहां पे ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये छोटी सी बात अभी बता रहा हूं बेटा, बाद में हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे 301 ना लेकर के कितना लेंगे यहां पे, ठीक है, ये 301 ना लेकर के 2000 जो 1920 289, तो यहां पे मैं 289 ले लूंगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर प्रीवियस ईयर 1920। अब बताओ बेटा व्हाट इज योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1952 702, मैं यहां पे 9.52702 लैक्स लिख देता हूं, एंड व्हाट विल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 30,47,297। इस तरीके से आपको करना है कंप्यूटेशन, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? तो कैपिटल गेन आप असेसमेंट ये 21-22 मतलब जिस साल में कंपोजिशन मिल रहा है यहां पे लिख दो ईयर इन विच इंश्योरेंस कंपनी रिसीव, इंश्योरेंस कंपनी रिसीव, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडेक्सेशन के टाइम पे यहां पे 301 ले लोगे, यहां पे आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर का ही ऑलवेज लेना है, ठीक है। तो यहां पे भी आप चाहो तो लिख दो ये वाला पार्ट कि इंडेक्सेशन में क्या लोगे, ये जो लिखा है ना आपने समरी में 7 पॉइंट लिख दो CII, ये लेना आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 का लेना पड़ेगा आपको, टू एट नाइन। समझ में आ गया बेटा ये चीज, कॉपी कर लिया आपने ये चीज, दोनों कॉपी कर लिया सॉल्यूशन भी। तो इस तरीके से आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन के केस में, अंडरस्टूड? तो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 1920 ऑल्दो वी आर कंप्यूटिंग, ठीक है, कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट 2021-22, और उस टाइम पे जब इंडेक्सेशन करेंगे तो इंडेक्सेशन के टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 301 ना लेके 289 लेना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप ये रिवाइज कीजिए, आप पढ़ते रहिए, आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।